सर ने मेरे बारे में तो बहुत कुछ बता दिया। सर ने ये नहीं बताया कि जब ये जर्नी स्टार्ट की थी, ये आइडिया, इसके पीछे पूरा सर का ही एफर्ट्स थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि ऑकल्ट साइंसेस हर कोई इजीली यूज कर पाए और वो अवेलेबल कराना एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। दिस वाज द आइडिया बिहाइंड। धीरे धीरे करके वी बीन ग्रोइंग। इट्स बीन मोर देन अ ईयर। सर ने स्टार्ट किया था एस्ट्रोलॉजी और ओके वास्तु से, उसके बाद फिर एंड बिहाइंड द सीन वी हैव मैम अ स्ट्रॉन्ग बैकिंग सपोर्ट, जिनके वजह से ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है सक्सेसफुली। वी बीन एबल टू कंप्लीट सो मच ऑफ ड्यूरेशन, वरना तो नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं और वो निकल भी जाते हैं। सो एक कंसिस्टेंसी, एक क्वालिटी डिलीवरिंग, ये सब मॉनिटर करना और इन सब चीजों को मैनेज करना, हैट्स ऑफ टू यू सर एंड मैम, एंड थैंक यू थैंक सो यू थैंक मच यू फॉर थैंक बिलीविंग इन अस। यू सो थैंक यू थैंक शिल्पी यू जी। ऑल एज द। शिल्पी हाँ जी जी करेक्टली सेड, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सिस्टम डिजाइन। एंड यस, पूनम जी इज हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड शी इज डूइंग अ स्ट्रॉन्ग पिलर वर्क एज एन बैक एंड वर्क। एंड यस, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू बाई हर। और किसी भी सक्सेसफुल सिस्टम के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो इस एकेडमी की सक्सेस के पीछे भी महिलाओं का हाथ है, महिलाओं का। हमारी एकेडमी में इतने मेल ये जितने फीमेल्स हैं, सारी लेडीज, सारी फैकल्टीज ही फीमेल हैं। सो दैट्स एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू, यू मे प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। सो टुडे द जर्नी दैट वी आर गोइंग टू बिगिन इज अबाउट टू न्यू डेक्स। वन इज द पास्ट लाइफ, ये डोरीन वर्च्यू के ओरेकल कार्ड्स हैं, पास्ट लाइफ ओरेकल कार्ड्स। एंड द सेकेंड दैट वी हैव इज आकाशिक टैरो। आकाशिक टैरो अपने आप में एक कंप्लीट डेक है, जिसमें मेजर और माइनर आर्काना दोनों है। अब हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे हैं और जो पार्टिसिपेंट्स टैरो पहले कर चुके हैं या राइडर वेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं या उशो ज़ेन या कोई और डेक, तो वो ये जानना चाहेंगे कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सो कमिंग टू फर्स्ट सॉल्विंग योर क्वेरी, आप कोई भी प्रॉब्लम बार बार अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, कई बारी निकल के आता है कि उसका कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से होता है, आपके पिछले जन्म से होता है। और ये हमारी वैदिक विद्या ने भी प्रूव किया है। देखिए, आप कभी भी देखिएगा, एक इंसान की जो पत्री है, एक नवजात शिशु की पत्री उसी समय बन जाती है, उसके प्लानिटरी कंडीशंस आ जाते हैं, वो कैसे परिवार में पलेगा, कैसी उसकी शिक्षा रहेगी, पूरे जीवन का उसमें पूरा ब्योरा आ जाता है। तो वो पूरा बेस्ड होता है उसके प्रारब्ध कर्मों पे, जो उसने पिछले जन्म में किए। वैसे ही आपके खुद के पास्ट लाइफ, क्योंकि हमारी सोल ने बहुत सारी लाइफ्स जी हैं, आवर सोल इज इटर्नल, तो हम लोगों ने बहुत सारी लाइफ्स जी हैं और उसमें से हमें याद कुछ भी नहीं है, वी आर नॉट एट दैट पार। लेकिन हाँ, उन लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हमारी सोल और इवॉल्व हो जाती है, कुछ सीखती जाती है एंड थिंग्स गेट टर्न इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। अब अगर कोई ऐसा कर्म आपका रह गया है जो अधूरा था पिछले जन्म में या पिछली किसी लाइफ में, या कोई ऐसा कर्म जो आपको इस जीवन में सुधारना है या मौका दिया है डिवाइन ने कि आप उसको सुधार सके, तो उसके बारे में आप जानेंगे कैसे? तो ये एक माध्यम है, जैसे हम पास्ट लाइफ कार्ड्स करते हैं या आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपने ये देखा कि हिप्नोसिस के जरिए या मेडिटेशन के जरिए आप धीरे धीरे पास्ट इवेंट्स में जाते गए, पास्ट लाइफ में जाते गए। नाउ व्हाट टू डू इन केस इफ मेडिटेशन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ योर्स? अगर आप उतने कंफर्टेबली मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आप अपने सवालों के जवाब कैसे लेंगे? इधर देर इज हिप्नोसिस इज अ वे, हर कोई हिप्नोसिस में भी कंफर्टेबल नहीं है, तो उस केस में हमारे सवालों के जवाब पास्ट लाइफ कार्ड से हमें मिल जाते हैं कि हम कहाँ पे थे, व्हाट वर द कर्मास दैट वी वर डूइंग एंड व्हाट वी नीड टू रिजॉल्व।
क्या हमारे पीछे एंजेलिक कनेक्शंस हैं, क्या हमारे ऐसे रहे हैं, कोई डर है, पिछले जन्म में किसी चीज का अभाव था जो हमें इस जन्म में पूरा करना है, तो उन सब के जवाब मिल जाते हैं। और उस एस्पेक्ट को अगर आप हील कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। आज की डेट में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हम फेस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। आई विल शेयर अ वेरी कॉमन एग्जांपल रिलेटेड टू माय ओन फैमिली। माय यंगर सन ही वाज वेरी अनकंफर्टेबल, और उसके साथ होता क्या था, स्कूल जाता था, ही हैड सम काइंड ऑफ फियर और समथिंग मे बी कि वो अपने जो उसके ट्राउजर होते थे वो गंदे कर लेता है। ही यूज्ड टू सॉइल हिज क्लोथ्स। तो एक बार हो गया, काउंसिल कर दिया, दो बार हो गया, वी टुक हिम टू अ डॉक्टर, ही वाज परफेक्टली नॉर्मल। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, नहीं सोच पा रहे थे। अब आप और हम जनरली क्या सोचेंगे कि डॉक्टर के पास ले जाते हैं, शायद कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसा हो, लेकिन सिर्फ स्कूल में ही सॉइलिंग हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। तो इसका जवाब मैंने निकाला था पास्ट लाइफ कार्ड्स, एंड व्हाट आई कुड डिस्कवर वाज समथिंग रियली शॉकिंग। इसने अपनी पास्ट लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा देखा था वेरिन ही वाज केज्ड, ही हैड दैट फोबिया इन माइंड एट अ वेरी यंग एज ऑफ 3 years। नाउ यू कैन इमेजिन दैट, एक 3 साल का बच्चा अगर इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो आप खुद सोच सकते हो कि प्रॉब्लम कितनी डीप रूटेड है। एंड दैट वॉज व्हेन आई कन्फ्रंटेड दीज कार्ड्स, तब मैंने इसको रेफर किया, इससे जवाब मिला मुझे कि ही वॉज इन दैट ट्रॉमा। उस ट्रॉमा से ग्रेजुअली उसे हीलिंग से निकाला एंड नाउ ही इज परफेक्टली फाइन। इट्स बीन मोर देन 7 years, ही इज परफेक्टली फाइन सिंस देन। So all he was needing, this soul was craving for love. Akela tha, kisi cage mein tha, aur ye sab humne discover kiya tha past life cards. So this is a live example. As I'm sharing with you, I'm getting goosebumps because maine ye experience kiya hai. And I could find answers to my questions that were related to it. So this is one phase where these cards come into action. Second phase क्या होता है कि आप कई बार ऐसे देखते हैं कि कुछ ऐसे cases होते हैं जहां पे misunderstandings रहती है। As an individual, दोनों partners अपनी अपनी duties पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी problem कहाँ आ रही है, उनकी compatibility नहीं बैठ रही है। अब इसका जवाब आपको कहाँ से मिलेगा? You can find out from past life cards. You can access their. Please give me a moment. I request all participants to keep their. Videos on so that it will be better interactive session. Lot of videos are off. It will be appreciated if you can keep your videos on. Aapka video on aapke aaj ki faculty ke prati ek abhar prakat. Thank you. Some of them switch on their videos. Thank you. Thank you. It's great to see. Thank you. इन द मीन वाइल शिल्पी जी, जब तक ये अपना वापस आती है, देयर इज अनदर फैकल्टी ऑन बोर्ड टुडे एंड उनका नाम मोनिका जी। मोनिका जी इज अनदर फैकल्टी। मोनिका जी, आपका स्वागत है। शी इज गोइंग टू स्टार्ट एंड वेरी सून अ चैप्टर ऑन द सब्जेक्ट कॉल्ड सुजोग एक्यूप्रेशर। Sujog acupressure pe she is going to start a chapter, and that's a holistic approach. It's a wonderful subject. And Monica ji, aapka dhanyawad aaj ke is webinar mein join karne ke liye. We will talk about it later on, but now it's a time for Shilpi ji to continue. Thank you, Shilpi ji. Please continue. Thank you, sir. Okay, so related to this, we find out answers through
आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली है क्या, ये हम जानेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एज वी कवर. फर्स्ट आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर के व्हाट ऑल यू विल बी लर्निंग थ्रू आउट दिस जर्नी. ये जर्नी अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है. ये जर्नी ऐसी है कि जहां आपने जो चीजें डिस्कवर नहीं की होंगी अपने बारे में आप वो डिस्कवर कर पाएंगे, दूसरों के बारे में आप डिस्कवर कर पाएंगे, एंड देन यू योरसेल्फ गेट इवॉल्व विद इट. क्योंकि जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं आप उतना ग्रो करते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं. सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन. Okay, so a very simple journey that we have that is related to past life and Akashic records. Yes, sir, I know you're able to resonate because of Zebu symbols we've recently done. So I generally decorate my work with lots of Zebu symbols because I need angelic blessings or main chahti hu ye blessings aap sab tak pahunche. So I frequently use Zebu symbols. Then contents to be covered. आप इस जर्नी में क्या क्या सीखेंगे, आकाशिक वर्ल्ड क्या है आप ये जानेंगे, इन रिकॉर्ड्स को कैसे खोला जा सकता है, आप आकाशिक टैरो के थ्रू इन रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप ये जानेंगे, इस डेक के बारे में आप पूरा जानेंगे. ये डेक में 64 कार्ड्स हैं. वी हैव द मेजर एंड द माइनर आर्काना जिसमें आप हर कार्ड को डिटेल में स्टडी करेंगे. वो कार्ड अगर किसी जगह पे आता है तो उसके क्या मायने हैं, अगर वो रिवर्स्ड आता है तो उसके क्या मायने हैं, और इससे हम कहानी कैसे बना सकते हैं फॉर अ रीडिंग फॉर एन आकाशिक रिकॉर्ड यू आर गोइंग टू कम टू नो अबाउट इट. इन कार्ड्स को रीड कैसे करना है और इनके अलग अलग स्प्रेड्स, हर कार्ड में नंबर ऑफ स्प्रेड्स आर प्री डिफाइंड. इसमें भी अलग अलग स्प्रेड्स रहेंगे जिससे आप अलग अलग क्वेरीज अपनी रिजॉल्व कर सकें. फिर मेजर और माइनर आर्काना को आप पूरा समझेंगे इन डिटेल. देन इसमें अलग अलग सूट्स है, चार फोर्सेस चार सूट्स, स्क्रॉल रोजेस फोर्सेस एंड कीज. जिन लोगों ने राइडर वेट्स किया है तो वहां हमने किया था वॉन्ड्स स्वॉर्ड्स पेंटिकल्स और कप्स. ओशो में हमने अलग टेक्निक की थी, इसमें अलग नाम से यही सूट्स हैं. फिर उसके बाद अगर हम पास्ट लाइफ ओरेकल कार्ड्स की बात करें, सिंस दीज आर ओरेकल कार्ड्स द नंबर ऑफ कार्ड्स इज नॉट टू मच, इट हैज 44 कार्ड्स. और ओरेकल कार्ड्स के इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इन कार्ड्स में अगर आप देखेंगे, आई जस्ट शो यू वन और टू कार्ड्स, इसमें सिर्फ इमेज है, दे डोंट कंटेन एनी मैसेज. नाउ इफ यू आर एबल टू सी दिस, दिस इज एन इमेज, इट डज नॉट कंटेन द कंप्लीट मैसेज. जैसे कुछ कार्ड्स में नीचे कीवर्ड्स होते हैं, तो इन इमेजेस को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे और अपनी लाइफ से कैसे रिलेट करेंगे, दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ द जर्नी. आपको कब कौन सा डेक यूज करना चाहिए, आप इनसे गाइडेंस कैसे ड्रॉ करेंगे और अलग अलग स्प्रेड्स आप कब यूज करेंगे, दिस विल अगेन बी अ पार्ट ऑफ द जर्नी. ये जर्नी हमारी 2 months की जर्नी है, वेर इन वी आर गोइंग टू कवर अप ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. हर चीज को हम बहुत डिसेंटली कवर करेंगे एंड आई अश्योर के नथिंग इज लेफ्ट अनटच्ड. और इन सेशंस में एक खास बात ये है कि जितने भी टैरो के सेशंस मैं लेती हूँ उसमें मैं प्रैक्टिकल जरूर करवाती हूँ. वेर इन आई एम नॉट स्पीकिंग, पार्टिसिपेंट्स आर द वंस हु आर ड्रॉइंग कार्ड्स, अपने लिए रीडिंग खुद कर रहे हैं, खुद से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है अपार्ट फ्रॉम थ्योरी. Then coming to introduction. अब अगर हम start करें इस journey को, we start with the past life oracle cards. Past life oracle cards आपको पिछली life से जुड़ी हुई
सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करता है, दैट यू कैन रिकॉल. और अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भी बात करेंगे तो कई साइकोलॉजिस्ट जो प्रैक्टिस करते हैं पास्ट लाइफ थेरेपी, वो इस चीज से पूरे रूप से कन्विंस थे कि आप फिजिकली इमोशनली हील हो सकते हो अगर आप इन मेमोरीज को रिकॉल कर पाओ और इन्हें हील कर पाओ. ये कार्ड्स सिर्फ एक टूल है कि आप इन की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाओ. आप ये मान के चलो आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज जानता है, हमें आभास हो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें टाइम टू टाइम गाइड करता है एंड वी आर अवेयर ऑफ इट कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये चीज जानता है. तभी तो किसी चीज के लिए हम एकदम तैयार हो जाते हैं. किसी अनजान व्यक्ति के बारे में सुन के हमारा मन अचानक से खुश होने लगता है क्योंकि वो कनेक्शन पास्ट लाइफ से होता है. सो देर आर थिंग्स दैट आर सबकॉन्शियस माइंड ट्राइज टू ब्रिंग इन टू आर फोकस. कई बारी हमें सपने आते हैं, अजीब से सपने आते हैं. हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कई बार हिंट्स देता है, कई बार हम समझ पाते हैं, कई बार पानी का बॉटल है, कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या बोल रहा है. फिर कई बार ये कार्ड्स ये भी वैलिडेट करते हैं कि आप क्या सस्पेक्ट कर रहे हो. अब जैसे पास्ट लाइफ थीम्स से आप क्या सस्पेक्ट कर रहे हो, कुछ मेमोरीज ऐसी होती है कि आपको लगता है आप पास्ट लाइफ में शायद कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपने कुछ अलग जिंदगी जी है. जैसे कुछ लोग आते हैं एंड दे आर वेरी नॉलेजेबल, एक छोटा सा बच्चा है मैथ्स के प्रॉब्लम्स यूं सॉल्व करता है, तो पास्ट लाइफ में क्या वो मैथ्स के फील्ड में एक्सपर्ट था, तो इसका जवाब आप किससे लोगे, वो बच्चा तो आंसर नहीं कर सकता. तो एटलीस्ट यू कैन गेट योर आंसर्स फ्रॉम सच ओरेकल कार्ड्स. एक बारी इन मेमोरीज को आप एक्सेस कर लेते हो तो फिर आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे और चीजें सप्लाई करता जाता है कि आपका सोल जर्नी कैसी रही इस दौरान. ये कार्ड्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स इवोक करते हैं, इनकी एनर्जीज बहुत हाई है. बिकॉज इन द प्रोसेस व्हेन आई शो यू हाउ टू क्लीन योर डेक, हाउ टू चार्ज योर डेक, अपने आप से इन कार्ड्स को कैसे आप अट्यून करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि ये प्रोसेस अपने आप में काफी एनर्जीज को इन्वॉल्व करता है. और अगर आप ये सारे रिकॉर्ड्स ट्रैक कर पाते हो तो जो एनर्जीज आपके अंदर दबी हुई हैं उन्हें आप रिलीज कर पाते हो, आप अपने इमोशंस से रिलीज हो जाते हो. एंड देन यूल रियलाइज हाउ पीपल इन योर करेंट लाइफ played roles in prior life. Now, कई बारी क्या होता है, हमारे आसपास के लोग ले लीजिए, आपके इमीडिएट फैमिली ले लीजिए, आपके फादर मदर सिस्टर फ्रेंड्स हस्बैंड जो भी है, वो सब कहीं ना कहीं आपसे पास्ट लाइफ से जुड़े हुए होंगे, इसीलिए आप लोग सेम उसमें वापस आए हो. It could be due to a strong soul connection या eternal love रहा हो, क्योंकि कुछ ऐसा रह गया जो अधूरा था in the form of unforgiveness. अब अगर आप ये देखो, this is a kind of karmic imbalance also. कई बारी क्या होता है, you might find that within a couple there's one person who's always trying to provoke the other. वो उसकी habit में होता है, या आपको लगेगा देख के कि पता नहीं क्यों उसको इतना तंग करता है, वो बेचारी तो सीधी सी है. लेकिन होता क्या है, कई बारी ये कनेक्शंस पास्ट लाइफ के होते हैं. अभी ऐसे ही रीसेंट एक रीडिंग में आया कि दिस लेडी शी वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग कि उसका हस्बैंड उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा है, दिस दैट. जब रीडिंग आई तो पता चला इन हर पास्ट लाइफ शी वॉज वेल ऑफ एंड शी यूज्ड टू इग्नोर हिम. So this was a karmic imbalance, जो इन्हें यहाँ पे सेटल करना था. तो यहाँ पे सेटल कैसे करेंगे, कार्मिकली उस चीज को पे ऑफ करेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे कि हम उस चीज से बाहर आ जाए, हमारी सोल इवॉल्व हो जाए, तो इस जन्म में एटलीस्ट उस प्रॉब्लम से हम बाहर आ जाएंगे, उस इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आ जाएंगे एंड वी विल बी एबल टू हील आवर प्रेजेंट लाइफ, और आने वाली लाइफ भी हमारी फिर बेटर होगी.
कई बारी हम इसलिए कनेक्टेड होते हैं कि कुछ पुराने गुस्से हमने अपने मन में होल्ड करके रखे होते हैं कि पिछले जन्म में हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा बुरा किया हो, तभी तो बोलते हैं आई स्पेसिफिकली इन एवरी क्लास ऑफ माइंड आई एंश्योर के पार्टिसिपेंट्स फॉरगिवनेस सीखें, एक बारी एटलीस्ट फॉरगिवनेस मेडिटेशन करें, क्योंकि इट इज नेसेसरी टू रिलीज योर एंगर। आपका गुस्सा, आपका किसी के लिए होल्ड करना या क्लिंग करना किसी भी चीज को, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं होने देता, आपके सोल को डिटॉक्सिफाई नहीं होने देता। सो दैट इज व्हाई वी इंट्रोड्यूस दिस। तो कर्मा एक ऐसा बैगेज है जो हमारे हाथ में होता है। अगर आप बैलेंस कर लोगे इसको, आप दूसरे के लिए कंपैशन फील करोगे, दूसरे पर्सन की सोल जर्नी को आप रिस्पेक्ट करोगे, तो यू विल ऑल्सो फील द सेम। कई बारी देखा जाता है कि लोग अपने पिछले जन्म की बातें याद रख पाते हैं या उन्हें याद आती हैं, और वो उन नेगेटिव पैटर्न्स को हील कर पाते हैं। उनकी हेल्थ कंडीशंस कई बारी पास्ट से रिलेटेड होती है। तो सोल लेवल पे आप सारी इंफॉर्मेशन रख पाए, लेसन्स रख पाए, मेमोरीज रख पाए जो आपने गैदर की है, तो जैसे जैसे आप इस चीज को डिस्कवर करोगे यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर, हर लाइफ आपके लिए और बेटर होती चली जाएगी। ओरेकल कार्ड्स है क्या? एक एंशियंट डिविनेशन सिस्टम है जो कि मैग्नेटिक रेजोनेंस पे बेस्ड है, जिसमें यह है कि कोई भी सवाल जो आप पूछते हैं वो मैग्नेटिकली एक पर्टिकुलर कार्ड को अट्रैक्ट करता है, एंड दैट इज हाउ यू डिराइव योर आंसर। ये कार्ड्स पाइथागोरियन सिस्टम यूज करते हैं न्यूमरोलॉजी का, जिसमें क्लियरली मेंशन है हर कलर, हर लेटर, हर नंबर वाइब्रेट करता है मैथमेटिकली प्रिसाइज तरीके से। तो अगर आप ये चीज जान ले, because see there is a logical science, I'm not asking you to believe something jo exist nahi karta, iske piche science hai and we do always have reasons for it, to is cheez ko hum jab jaan lete hain tabhi hum isko swikar kar pate hain। Now coming to what kind of cards and how you're going to मेंटेन दीज कार्ड्स, या आपके पास जब कार्ड्स आए तो आप उन्हें कैसे रखेंगे, कैसे क्लेंस करेंगे, कैसे शफल करेंगे? ओके, देखिए जैसे आपके पास एक डेक रिसीव होता है, शफलिंग इज वेरी सिंपल। जैसे आप प्लेइंग कार्ड्स शफल करते हैं वैसे आप शफल कर सकते हैं। If like these are totally handy cards, आप इसको easily इस तरीके से playing cards की तरीके से shuffle कर सकते हैं। लेकिन जब आपको cards receive होते हैं, suppose if it is a new deck and you haven't used it till now, उस case में आप क्या करेंगे? उस case में आप एक एक card को निकाल के पहले अलग रखेंगे अपने हाथों से। Reason being कि इन कार्ड्स की एनर्जी होती है, इन्हें आपकी फिजिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है ताकि ये आपसे कनेक्ट हो पाए, आपसे अट्यून हो पाए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक ईच एंड एवरी कार्ड वन बाय वन एंड वी आर गोइंग टू कीप इट ऑन द नेक्स्ट पाइल, एज इफ हम हर कार्ड को टच करके अपनी एनर्जी से अट्यून करवा रहे हैं। सो दिस इज द वे हाउ यू विल मेंटेन। जब आप नया कार्ड रिसीव करते हो इनकी एनर्जीज काफी हाई होती हैं, तो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर कार्ड को अपने हाथ से निकाल के रखो पहले, सो दैट दे रिकॉग्नाइज योर एनर्जीज, दे गेट अटैच टू योर एनर्जीज। सेकेंड पार्ट इज व्हेन यू आर क्लीनिंग योर डेक, आप अपने डेक को क्लीन कैसे करोगे और क्लीन क्यों करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इनकी अपनी एनर्जीज है और जो हम किसी की रीडिंग करते हैं तो वो इंसान अपनी एनर्जी लेकर आया है, तो उनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके डेक को इन्फ्लुएंस करती है। तो इसके लिए
ताकि हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले, हमें प्रॉपर चीजें मिले, तो हम उसमें क्या करते हैं, वी ऑलवेज क्लीन द डेक. नाउ हाउ डू वी क्लीन इट? आप लोग अपने घर में इंसेंस, अगरबत्ती, धूप, जो भी यूज करते हैं पूजा के लिए, उसके फ्यूम्स के ऊपर से आप अपने डेक को 7 times क्लॉकवाइज रन करोगे. नहीं तो जो लोग हीलर्स हैं वो सेज यूज कर सकते हैं. ऑल दोज हु नो हाउ टू प्रैक्टिस रेकी, दे कैन यूज रेकी सिंबल्स टू क्लेंस देयर डेक एंड टू चार्ज देयर डेक. जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जीबू सिंबल्स जानते हैं, वो जीबू सिंबल्स को यूज कर सकते हैं. और अदरवाइज अगर आप नहीं जानते हैं हीलिंग या रेकी या जीबू सिंबल्स, इट इज वेरी सिंपल, आप अपनी इंटेंशन से करेंगे और धूप बत्ती या अगरबत्ती के धुएं के ऊपर से क्लॉकवाइज यू आर गोइंग टू मूव इट 7 times विद द इंटेंशन दैट ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम योर डेक आर बीइंग क्लियर्ड. फिर हमने इसको शफल कर लिया, एक एक कार्ड को अपने हाथ से कर लिया. नाउ आई विल कीप इट विद इन माई हैंड्स. अपने दोनों हाथों के बीच में रख के और आप आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए सिर्फ इसकी एनर्जी को फील करोगे. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्लियर योर डेक. यू आर गोइंग टू गेट अट्यून्ड टू योर डेक, क्योंकि आपका डेक आपके अलावा और कोई नहीं समझ पाएगा. ये एनर्जी कनेक्ट है, एनर्जी फील वर्क्स दिस वे ओनली. सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब ये कार्ड्स कई बारी आप देखेंगे कि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत ही प्रिसाइज आंसर आ रहा है क्योंकि मैग्नेटिक कनेक्शन है. सेकंड है कि हर कार्ड को आपने अपनी पर्सनल एनर्जी से इन्फ्यूज कर दिया है, आपने शफल भी किया है. अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप वो क्वेश्चन जब अपने दिमाग में लाएंगे तो फिर आपको यही इमेजिन करना है कि आपको डिवाइन एनर्जीज गाइड कर रही है टू फाइंड आंसर्स, और ये सोच के यू आर गोइंग टू शफल योर कार्ड्स, राइट? तो ये तरीका रहेगा टू शफल योर कार्ड्स. फिर आप जब कार्ड चूज करते हो, सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ चूजिंग द कार्ड दैट वी आर गोइंग टू लर्न. जैसे एक तरीका होता है कि रैंडमली आपने डेक के पाइल में से कोई एक कार्ड निकाल दिया एंड यू बिलीव दैट इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन. दूसरा तरीका होता है कि आप इसको स्प्रेड करते हो पूरे टेबल पे, एक जैसे फैन खोलते हैं वैसे आप स्प्रेड करते हो टेबल पे या अपने स्प्रेड पे, और उसके बाद आप बीच में से एक कार्ड पुल आउट करते हो. दैट इज वन वे. फिर कई बारी इसके हम स्प्रेड्स लगाते हैं और स्प्रेड्स लगा के हम आंसर्स निकालते हैं. बट बिफोर यू आर गोइंग अहेड विथ एनी रीडिंग, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करें, खुद आप ग्राउंड हो और गाइडेंस को आप अलाउ करेंगे. तो इस केस में आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू रिक्वेस्ट द डिवाइन कि वो आपके एक्सपीरियंसेस पे लाइट थ्रो करें. जो सवाल आपके मन में है उनके जवाब आपको क्लियरली मिल पाए. इसके लिए हम एंजल्स को भी इन्वोक करते हैं. आप उन्हें सुन सकते हैं, आप उनके मैसेजेस पढ़ सकते हैं, और आप ये जानते हैं कि ये रीडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि डिवाइन एनर्जीज ऐसा चाहते हैं. एंड आई ट्रूली बिलीव दिस कि आज अगर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड हैं तो द रीजन इज कि कहीं ना कहीं आपकी जर्नी इन कार्ड से होकर जाती है. नाउ अब आपको ये तो जनरल चीजें मैंने बता दी, कार्ड्स क्या होते हैं, कैसे आप इन्हें शफल करोगे, हाउ आर यू गोइंग टू मेंटेन अ कार्ड. नाउ सपोज इफ यू वांट टू नो द इंटरप्रिटेशन ऑफ कार्ड्स, तो वो कैसे होंगे दैट विल बी लर्निंग. आज मैं आपको एक दो कार्ड्स का थोड़ा सा बताऊंगी सो दैट यू हैव एन आइडिया. देखिए इसका सबसे पहला कार्ड जो है दैट इज द एंजल्स कार्ड.
ये आप देख सकते हैं एक ब्लैक एंड व्हाइट एंजल बना हुआ है इसको। एंजल्स को हमने हमेशा देखा है एक फेदर्ड बींग के नजरिए से, और ये माना जाता है हर कल्चर में, हर रिलीजन में माना जाता है कि देवदूत या एंजल्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ अगर आप रीडिंग निकाल रहे हो और उस समय आपके हाथ में ये कार्ड आ जाता है, तो ये कार्ड ड्रॉ करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि ये साइन आपके गार्जियन एंजल्स की तरफ से है। अब आप गार्जियन एंजल्स जानते होंगे, देखिए हमारे खुद के जब हम पैदा होते हैं ना, तो हर इंसान के साथ गार्जियन एंजल्स होते हैं जो उन्हें टाइम टाइम पे गार्ड भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, और वो आपके पूरी सोल जर्नी में आपके साथ होते हैं। आपके लाइफ टाइम में आपके एंजल्स आपके साथ काम करते हैं, और जो लेसन्स लाइफ आपको सिखाती है उन्हें रिव्यू भी वो करते हैं, और वो आपको आगे के लिए तैयार भी करते हैं। कई बारी क्या होता है कि अब क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कार्ड है और एंजल्स कार्ड आ गया, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि इन योर पास्ट लाइफ आपने एक एंजल के जैसे काम किया है। मे बी समवे आपने किसी को गाइड किया, किसी को हील किया, जैसे एंजल्स आपके लिए करते हैं। तो एज अ रिजल्ट आपको क्या मिला, आपको गार्जियन एंजल्स की ओर से ढेर सारा प्यार मिल रहा है। आपके गार्जियन एंजल्स जानते हैं हर डिटेल को, बहुत क्लोजली जानते हैं, एंड दे नो हाउ थिंग्स कैन बी फॉर यू। आपकी हर मेमोरी उनके साथ है, लेकिन वो सिर्फ उतना ही दिखाते हैं जितना करंट लाइफ टाइम के लिए आपके लिए जरूरी है, जिससे कि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को हील कर सकें। और जब कभी भी आप सोने लगे, आप अपने एंजल्स को बुलाइए। देखिए ये तो ये कार्ड आया, एंजल्स का कार्ड आया, तो मैंने आपको इसका इंटरप्रिटेशन बताया है। अदरवाइज आप कभी भी सोने लगे तो इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। देखिए एंजल्स को, गार्जियन एंजल्स को जब तक आप बुलाएंगे नहीं, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। वो आपके आसपास मौजूद हैं, दे आर बियॉन्ड टाइम एंड डिस्टेंसेस, लेकिन वो आपकी लाइफ में तब तक इंटरवीन नहीं करेंगे जब तक आप उनसे मदद नहीं मांगेंगे। तो व्हेन यू आर फॉलिंग अस्लीप, जब आप सोने लगे, तब आप एंजल्स को बुला सकते हो कि जब आप सो रहे हैं तो आपसे जुड़ी हुई जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको सपनों के फॉर्म में वो दिखा सकते हैं। जब आप जाग जाओ तो कई चीजें आपको याद नहीं रहती, लेकिन कुछ छोटे छोटे ट्रेसेस रह जाते हैं। तो इसके अलावा आर्कएंजल माइकल है, जिन्हें हम इन्वोक करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, करेज के लिए। तो ऐसे बहुत सारे एंजल्स हैं। अगर ये कार्ड आप किसी की पास्ट लाइफ रीडिंग करते हैं और उसमें आपका ये कार्ड आता है एंजल्स का कार्ड, दैट मीन्स कि वो पास्ट लाइफ में हीलिंग या दूसरों को लाइट दिखाने से रिलेटेड कोई ऐसा काम कर रहे थे। तो इस लाइफ में अगर उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज लेफ्ट आउट, क्योंकि ये कार्ड मैं आपको बताती हूँ कब आता है, ये कार्ड जनरली तब आएगा व्हेन पीपल आर जस्ट फॉलोइंग देयर रूटीन, और आपके पास आके वो एक ही सवाल पूछेंगे कि मेरे पास सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूं। सो द कार्ड कम्स दिस। तो जवाब क्या है कि आपने जो पिछले जन्म में काम किया है वो आपको इस जन्म में भी कुछ हद तक कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उन्हें हीलिंग सीखनी है या उन्हें ऑकल्ट साइंसेस में आना है या लाइट वर्कर का काम करना है, उन्हें एंजेलिक काम करना है। वो कैसे हो सकता है? सर्व द नीडी। आप नेचर से प्यार करें, जानवरों से प्यार करें, पेड़ पौधों का ध्यान रखें, हो गया आपका काम। सो दिस इज हाउ यू कैन आस्क देम हाउ दे विल फाइंड पीस, क्योंकि उनका बेसिक जो नेचर एसेंस है वो एक एंजल एनर्जी का है। तो एंजल एनर्जी नोज हाउ टू गिव, इफ दे आर नॉट एबल टू गिव दे आर नॉट एट पीस। सो दिस इज हाउ यू विल डिराइव आंसर्स, राइट? सो एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाटएवर आई हैव टोल्ड एज ऑफ नाउ?
हेलो मैम, हाँ जी, नीता देसाई, मेरे को ये क्वेश्चन था, ये आपके पास्ट लाइफ वाले जो कार्ड्स हैं और आकाशिक रिकॉर्ड में क्या डिफरेंस है? देखिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है. पास्ट लाइफ इज समथिंग कि आप अपने पिछले जन्म में कहाँ थे, क्या थे. आकाशिक जो है उसका और वाइडर होराइजन है. आकाशिक इज, देखिए, दोनों में उतना डिफरेंस है. एक सेकेंड में आपको म्यूट कर दूं नीता मैम, इफ यू डोंट माइंड, बिकॉज बैकग्राउंड वॉइसेस आ रही है. देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो पास्ट लाइफ कार्ड में और आकाशिक में है, आकाशिक एक कंप्लीट टैरो डेक है और पास्ट लाइफ कार्ड्स ओरेकल कार्ड्स है. ओरेकल कार्ड्स आपको गाइड कर सकते हैं, आप उनके स्प्रेड से आंसर्स निकाल सकते हैं, लेकिन सिंस इट इज पास्ट लाइफ, यानी कि पिछले जन्म तक का ही निकाल पाएंगे. अगर उससे पुराना कोई है केस, तो उस केस में आपको आकाशिक से हेल्प मिलेगी, बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड्स, आप ये मान के चलिए पास्ट लाइफ क्या है, आपके पिछले जन्म की एक फाइल. आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, आपके पिछले कई जन्मों की लाइब्रेरी. तो ये मेजर डिफरेंस है, एक तरफ पूरी लाइब्रेरी है और एक तरफ पूरी एक फाइल है. तो वो दोनों ही होराइजन खुल जाएंगे आपके लिए, इसीलिए इसका कॉम्बिनेशन रखना. एक शिल्पा मैडम, हमको कैसे मालूम चलेगा कि जो कार्ड हमको बता रहे हैं, जो मतलब काफी हद तक सही है, अगर हम अपना खुद का अपना देखना चाहे कि पास्ट लाइफ क्या था, तो कैसे हम इसको देखेंगे? देखिए, इसके लिए देयर इज अ प्रॉपर टेक्निक. लाइक व्हेन वी बिगिन द सेशन, वी ऑलवेज क्रिएट अ सेक्रेट स्पेस जहां जाके आप अपने ये कार्ड एक्सेस करेंगे. और जब आप ये कार्ड निकालेंगे, देखिए, अभी तो मैंने आपको एक कार्ड का इंटरप्रिटेशन बताया. अब ये इंटरप्रिटेशन में मैंने आपको सिचुएशन भी बताई कि कहां कहां ऐसा आता है, बिकॉज आई हैव फेस्ड इट प्रैक्टिकली. तो वैसे ही आप जब पूरे कार्ड्स पढ़ेंगे, तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि ये चीज मेरी लाइफ से रेजोनेट कर रही है. आपको खुद ही को पता चल जाएगा, बिकॉज इसमें इनडेप्थ इतना कुछ है कि यू विल बी एबल टू रिलेट इट विथ योर ओन लाइफ. आपको खुद ही को सारे जवाब मिल जाएंगे. और जहां आपको लगे कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो उस केस में यू कैन ऑलवेज टेक माय हेल्प और यू कैन टेक हेल्प ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स फॉर अ ब्रॉडर वर्जन. थैंक यू मैम. मैम, ये आकाशिक भी इसमें ही ऐड करने वाली हूं? हां जी, ये दो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है, 2 months कोर्स है, जिसमें वील बी डूइंग द पास्ट लाइफ ओरेकल फर्स्ट एंड देन वील मूव ऑन टू आकाशिक. तो उसमें भी कार्ड्स रहेंगे आकाशिक में? हाँ जी, आकाशिक के कार्ड्स हैं. और मैं दिखाऊं दोनों? सी, आई शोन यू फॉर पास्ट लाइफ. आकाशिक के कार्ड्स बैक साइड से ऐसे हैं. हाँ, फ्रंट साइड से इनपे पिक्चर्स और सिंबल्स हैं. राइट. और पास्ट लाइफ के मैंने आपको दिखाए, पास्ट लाइफ में जो पीछे ड्राइंग है वो आपको ऐसी दिखेगी. अच्छा, जैसे दरवाजा खुल रहा है और उसके अंदर से कुछ झांक रहा है. राइट. और जो आपको कार्ड्स दिखेंगे वो पुरानी हिंदी मूवीज के ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड की तरह दिखेंगे, जिसमें कुछ ड्राइंग होंगी और मैसेजेस होंगे. सो दिस इज, हम ये भी स्प्रेड और ये सब इसमें सीखेंगे? यस मैम, दैट इज अ पार्ट ऑफ. यानी एडवांस भी इसमें ही है ना साथ में? हाँ जी. थैंक यू. आकाशिक पीएलआर एंड आकाशिक का सॉरी आकाशिक एंड पीएलआर बोथ आर, इट्स अ कंप्लीट कोर्स. There is no basic, there is no advanced. It's a complete course for both the cards. And then the best part is, case mein aapko answers bilkul accurate milte hain. Maine to khud experience kiya hai kai baar. It's not been once or twice, kai baar. Kai readings mein aise experiences hue hain, which I'm going to share with you. So, इन कोर्स ऑफ जर्नी जैसे आप खुद देखेंगे कि चीजें निकल के आएंगी.
जैसे अभी मैंने आपको कुछ कार्ड्स का बताया था सर रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ कार्ड्स सर विल शेयर विथ यू cost will be shared to you soon once you've been part of the journey that the cost will be shared to you Rajkaran sir aapka question sir aap mute pe hain aap apne aap ko unmute kar le ye class start hone se pehle card hamare ko milega kya hamare cost se cost pay karne se ji mil jayega mil jayega और जैसे हर कार्ड का एक एक प्रेडिक्टेशन होता है उसका आप राइटिंग में या पीडीएफ देंगे या राइटिंग वो आपको नोट्स भी मिलेंगे ये हमारी हर क्लास में होता है नोट्स भी मिलते हैं और उसके अलावा जो हमारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास होती है तो वो आपके लिए लाइफ टाइम एक्सेस के लिए आपके पास अवेलेबल है आप देख भी सकते हैं और नोट्स भी पढ़ सकते हैं और पीडीएफ मिलेगा सर पूरा क्लास का एक साथ में जी सर ओके सर ओके मैडम थैंक यू राइट रघुनाथ सर आपका क्वेश्चन हेलो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग आकाशिक से पास्ट लाइफ पे जाएंगे या पास्ट लाइफ से आकाशिक पे जाएंगे मतलब हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट आवर कार्ड मतलब हम लोग हमें पहचान में कैसे आएगा कि हम लोग अभी पास्ट लाइफ फीलिंग करें तो हमें आकाशिक पे जाना है या आकाशिक से हमें पास्ट लाइफ में जाना है बिकॉज वी आर यूजिंग बोथ कार्ड एट द सेम टाइम इसके नो सी वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जर्नी विथ पास्ट लाइफ हम अपनी जर्नी पास्ट लाइफ से स्टार्ट करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया पास्ट लाइफ आपके पिछले जन्म से रिलेटेड है आकाशिक इज द एंटायर कि आपने कितनी लाइफ्स में कैसे क्या छोड़ा है तो जो कार्मिक चीजें रह जाती हैं उसके बारे में हमें कई बारी आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने पड़ते हैं टू फाइंड आंसर्स तो वो आपको सिचुएशन बताई जाएगी कि कौन से सिचुएशन में आप कौन सा कार्ड यूज करेंगे या कौन सा स्प्रेड दैट इज अ पार्ट ऑफ द कोर्स ओके और मैम ये दोनों कार्ड साइमल्टेनियसली यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हम एक का एक मतलब एक डेक एट अ वन टाइम कैन बी यूज यस सर इट कैन बी यूज थैंक यू शिल्पी जी वुड लाइक टू शेयर सम एग्जांपल हां जी एक सेकंड सर राहुल जी आपका क्वेश्चन मैम इसमें बिगनर कर सकते हैं मैम मुझे आकाशिक का और किसी का कुछ भी नॉलेज नहीं है देखिए ये बिगनर ही है जो आपका सेशन स्टार्ट होगा दैट विल बी एट बिगनर्स लेवल ओनली जहां से आई डू बिलीव कि हम सब लर्न कर रहे हैं राइट फ्रॉम द स्क्रैच तो हम सब एक साथ लर्न कर रहे हैं एक साथ ग्रो कर रहे हैं तो इसके लिए वी आर गोइंग टू गेट आवर आंसर्स यूजिंग दीज डेक्स ओके मैम इससे फ्यूचर लाइफ अच्छी हो सकती है फ्यूचर का जैसे आगे प्रेडिक्शन कैसे लाइफ इससे बहुत चीजें ब्राइट करना है हाँ बहुत चीजें सर इससे इम्प्रूव होती हैं जैसे सर इफ यू जस्ट पुट ऑन योर वीडियो फॉर वन सेकेंड अगर आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं राहुल जी आपकी वीडियो ऑन करें मैम इसमें जियो सिंबल भी आता है क्या सर जीबू सिंबल्स हमारा ऑलरेडी ऑन गोइंग कोर्स था अब वी आर टूवर्ड्स कंक्लूजन तो काफी पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जीबू सिंबल्स भी किया है इसमें ऐसे सिंबल्स नहीं आते ओके राहुल जी नाउ इफ आई रिलेट टू योर पास्ट लाइफ इश्यूज राइट ठीक है मैम इसकी रेमेडी भी बताओगे मतलब कुछ निकल के आएगा तो उसकी रेमेडी भी बताई जाएंगी इसमें
Hello, ma'am. Yes, remedies will be part of this. Okay, please. Remedies will be a part of it. See, without remedies, course karwana is of no use. मैं आपको ये बता दूं कि ठीक है ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा एंड देन आई लीव यू इन द मिड्स और उसके बाद आप कहेंगे अरे मैम ने क्या बताया आंसर्स तो खुद ही ढूंढने पड़ रहे सो दैट इज नॉट समथिंग दैट आई बिलीव इन मतलब एज अ टीचर इफ यू सी तो आई हैव बीन वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स बता सकते हैं क्योंकि मैं उनसे करवाती हूँ मैं प्रैक्टिकली क्लास में करवाती हूँ ओके राहुल जी आपसे कुछ चीजें मैं जानना चाहूंगी आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं या एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज जल्दी पकड़ लेते हैं अनम्यूट करें राहुल जी अनम्यूट करें अपने आप को अनम्यूट करें राहुल जी आप अपने आप को अनम्यूट करें पहले ट्रैवल कम रहता है ज्यादा नहीं रहता मतलब लेकिन ये है कि नई चीज सीखने के लिए मैं बहुत ज्यादा वो रहता हूँ तत्पर रहता हूँ और उसके लिए आप पुरानी छोड़ देते हैं चाहे वो कंप्लीट हो चाहे ना हो हाँ ऐसा हुआ है मैं मेरे साथ बहुत नाउ दिस इज योर लाइफ इंसिडेंट आई सिंपली कनेक्टेड विथ यू लुक एट द कार्ड दैट कम्स फॉर यू लीविंग ऑफ ट्रैवल ये आप ही का पास्ट लाइफ का ही कार्ड है और ये आपको क्या गाइड कर रहा है ये गाइड कर रहा है कि हमेशा आप एक जो आपकी पास्ट लाइफ रही है उसमें आप स्थिर नहीं रहे आप टिके नहीं आपने कोई भी कार्य पूरा नहीं किया और उससे पहले आपने दूसरा शुरू कर दिया तो वही सेम पैटर्न आपको इस लाइफ में क्यों मिला क्योंकि उसे आपको कंप्लीट करना है आपको अगर अपनी करंट सिचुएशन को सुधारना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो कार्य आप अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरा करने के बाद ही आप स्विच करेंगे दूसरे कार्य पे उससे पहले मत करिएगा वरना ये कार्मिक बैगेज है ये आपको नेक्स्ट लाइफ तक ले जाएगा सेम सिचुएशन में और इसमें क्या रहेगा आपके आप हर तरीके से चीजें सामने आती हैं रिलेशनशिप में भी सफर करते हैं इट इज नॉट ओनली एट इमोशनल लेवल या फिजिकल लेवल तो इसमें रिलेशनशिप भी बहुत हद तक सफर करते हैं तो इस चीज को अगर आप सुधारना चाहते हैं इस चीज से आप बाहर आना चाहते हैं तो इट इज कि आप आज से ये डिसाइड कर लीजिए कि आप कोई भी चीज से भागेंगे नहीं पहली चीज कोई भी काम आप अपने हाथ में लेते हैं आप उसे पूरा ही करेंगे यू नीड टू हील योर पास्ट इसको हमें हील करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे जब हम फॉरगिवनेस करेंगे प्रैक्टिकल सेशन में जब हम करेंगे तो उसमें हम फॉरगिवनेस करेंगे अपनी पास्ट लाइफ से जाकर तो वो आपके पास्ट इश्यूज को हील करेगा वहां से आपको स्ट्रेंथन करेगा कि आप अपने प्रेजेंट को सुधार पाए तो ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल टेक्निक है अब देखिए मैं आपको कोई बहुत ज्यादा जानती नहीं हूं आज पहली बार मैं आपको देख रही हूं लेकिन ये कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल एग्जैक्ट बोलती है दिस इज हाउ इट वर्क्स थैंक यू मैम इसमें फिजिकल कार्ड्स की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी ना जी कार्ड्स के बारे में अभी सर आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और मैम इसके अंदर एक क्वेश्चन है मैम मेरा कि जैसे मेरा प्रेजेंट अगर सही होता है तो फ्यूचर कैसे उसको फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी हो सकती है फ्यूचर की प्रेडिक्शन हम पास्ट लाइफ से नहीं करेंगे फिर फ्यूचर की प्रेडिक्शन के लिए हम पूरा एक स्प्रेड लगाएंगे जो हम कोर्स के दौरान करेंगे वी आर गोइंग टू लर्न दैट नीना जी आपका बिगनर में मुझे सीखना होगा सारी चीजें देखिए एज अ बिगनर ही हम एज अ बिगनर ही हम सब स्टार्ट करेंगे आप ये मान के चलिए कि मैं भी आपके साथ एज अ बिगनर स्टार्ट कर रही हूँ यस सर थैंक यू तो एज अ बिगनर वी ऑल बिगिन विद द सेम पेस और साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे
फिर जहां पे आपको लगेगा कि थोड़ा सा आप कर पा रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वहां से आप खुद प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैम ओके मैम, मैं आ रहा हूं, मैं आई विल जॉइन मैम। मैम क्या फीस है कोर्स की? विल शेयर द डिटेल्स। मीना जी आपका क्वेश्चन ले लें। या गुड इवनिंग शिल्पी जी, मुझे आपसे ये संकल्प करना था। हेलो मैम। हाँ हेलो। जैसे जैसे हम बीइंग सब लोग हाउसवाइफ्स होते हैं, या मतलब हम लोग फैमिली वाले लोग हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारे बच्चों की लाइफ के लिए हमें समझना है कि बच्चों की लाइफ में ये वाला प्रॉब्लम क्यों है, कैसे है। एंड किड्स इधर दे आर आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ अब्रॉड हैं, या फिर या वो इस थेरेपी में बिलीव नहीं करते। अगर हम उनको रिक्वेस्ट करें कि आप ड्रॉ करो कार्ड्स या मतलब कुछ ऐसा, तो वो नहीं इंटरेस्ट दिखाते हैं इसमें, तो हम उनकी लाइफ के बारे में तब भी पता कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली यू कैन। देखिए वंस यू हैव द नॉलेज, अभी राहुल जी से मेरा कोई रिलेशन नहीं था, मैंने उनकी वीडियो ऑन करवाई, आई जस्ट कनेक्टेड विद हिज हायर सेल्फ और मैंने उनके बिहाफ पे कार्ड ड्रॉ किया टू फाइंड आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। वैसे ही आपको ये टेक्निक सिखाई जाएगी कि आप किसी और के बिहाफ पे रीडिंग कर सके, और आपकी इमीडिएट ब्लड लाइनिंग के लिए तो आप खुद से ही रीडिंग कर सकते हैं, खुद ही सवाल पूछ सकते हैं और खुद ही आप आंसर्स निकाल सकते हैं। ओके एक क्वेश्चन और मैम, ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे सपोज मैंने एक कपल, लाइक मैंने अपने डॉटर है, डॉटर के हस्बैंड के बारे में सब पता करना है कि मतलब व्हाटएवर प्रॉब्लम दे है, तो अब उनके हस्बैंड की का कनेक्टिविटी मेरे साथ होना मुश्किल है। जैसे मैं उनको वीडियो पे नहीं देख पाऊंगी, जैसे मैं उनको रिक्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी कि आप वीडियो पर आओ, आप तो अपनी डॉटर के थ्रू कर पाएंगे। ओके क्योंकि आपकी डॉटर की एनर्जी आपके दामाद की एनर्जी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके 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 है ना, तो जिनकी एनर्जीज डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, अगर वो वीडियो पे नहीं भी आ पा रहे, जैसे आप अपने बच्चों के बारे में पूछ सकती है, आपकी डॉटर अपने हस्बैंड के बारे में पूछ सकती है, वो उनके बच्चों के बारे में पूछ सकती है, सो दिस इज डायरेक्ट एनर्जी कनेक्शन चाहिए होता हमें। ओके ओके मैम, आई गॉट इट, थैंक यू मैम, थैंक यू। मिथिलेश जी आपका क्वेश्चन। यस मैम, ये पूछना था मैम फर्स्ट तो कि इस कोर्स की फीस क्या है, सेकंड क्वेश्चन था कि जो दो कार्ड लिए जाएंगे ये कितना रेट पड़ेगा, मतलब कितना चार्जेस, मतलब कितने पैसे में आएंगे ये, है ना, क्योंकि ये सब इंतजाम करके रखना पड़ेगा ना कोर्स पहले, तभी तो स्टार्ट करने में, क्योंकि आपसे स्टार्ट कर दिया फीस दे के, वो कार्ड आए महंगे और वो हम ले नहीं पाए तो फायदा नहीं। वन थिंग आई कैन अश्योर यू मिथिलेश जी, मार्केट में जो भी ऑनगोइंग प्राइस है उससे काफी कॉम्पिटेटिव रेट्स में अभी तक हमने अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए हर चीज अरेंज की है। इतना तो मैं ही अश्योरेंस दे सकती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द एकेडमी, बिकॉज़ सर हैज ऑलवेज केप्ट दिस थिंग इन माइंड कि सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स की हमें देखनी है कि उनका भला होना चाहिए, तो वहां पे प्रॉफिट मोटिव कभी भी नहीं रहा उनका, तो इस चीज का अश्योरेंस तो मैं ही आपको दे रही हूँ, बाकी डिटेल्स अभी सर शेयर कर देंगे आपसे। हाँ, उसके लिए वो जैसे कार्ड्स को बॉक्स में रखना होता है और फिर क्रिस्टल रखने होते हैं, तो वो सब मतलब वो सब मैं, हाँ वो सब कोर्स के दौरान मैं आपको बताऊंगी। देखिए कई बारी क्या होता है, जैसे मेरे पास इस समय बहुत सारे डेक्स हैं, आई हैव अराउंड 15-20 डेक्स, आप सोचिए 15-20 बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखना बहुत मुश्किल है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इनके पाउचेस लेते हैं, कपड़े के पाउचेस, कपड़े में इसको इजीली रैप करके आप रख सकते हो, आप कपड़े के पाउचेस बना सकते हो, हम तो उससे आप रख सकते हो। जी वेट, जो इसकी जो बैग्स होंगे ना, we will share provide the bags with the card so that उसी बैग में आप कार्ड को कैरी कर सकते हैं, रख सकते हैं। that will be सर आवाज स्लो आ रही है बहुत। जो हेलो मैम, जो बैग्स होंगे जो कार्ड के लिए, मिथिलेश जी एक मिनट, हाँ एक मिनट मिथिलेश, जो कार्ड्स आपको दिए जाएंगे उस कार्ड के साथ बैग्स दिए जाएंगे,
वो बैग वेलवेट बैग्स होंगे, उसी बैग के अंदर आप जो है कार्ड को रख सकते हो, उसी बैग को कैरी कर सकते हो। बैग्स आर डिजाइन फॉर दी कार्ड्स ओनली, तो वो आपके साथ एज ए कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड के साथ ही आपके पास आएंगे और उसमें आपको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी और बॉक्स की, किसी और रख रखाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन कीप द कार्ड्स इन द बैग इटसेल्फ, तो आपके साथ बैग के साथ कार्ड्स साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे आपको, ठीक है। एज फार एज दो कोर्स की जर्नी कैसी रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग इट ऑन स्क्रीन। ये कोर्स की जर्नी कैन यू एक्सप्लेन शिल्पी जी प्लीज? ओके, कोर्स की जर्नी हमारी जो स्टार्ट हो रही है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd ऑफ अगस्त, ट्यूसडे और थर्सडे, हफ्ते में दो दिन क्लासेस होंगी। शाम को मिथिलेश जी, इज इट सेम विद ऑल पार्टिसिपेंट्स? आप लोगों को आवाज आ रही है? यू कैन जस्ट शो योर थम्स अप। यस मैम, आ रही है आवाज, आ रही है मैडम, आवाज क्लियर है, क्लियर है। मिथिलेश जी फिर तो, हाँ हमारी मिथिलेश बहुत जिज्ञासु बहुत है मैडम, हर चीज में जिज्ञासा बहुत करती है, हम एक ही प्लेटफॉर्म के है। आवाज नहीं आ रही मैम, अभी तो मैं बोलने लगी हूँ। देखिए, शाम को 5:30 बजे सेम टाइमिंग रहेगा, ट्यूसडे और थर्सडे को ये क्लास स्टार्ट होगी और 2 महीने का कोर्स है। लाइव आपके जूम सेशंस चलेंगे, डाउट क्लियरिंग होगा, एक एक क्वेश्चन क्लियर करते हैं, प्रैक्टिकल केस स्टडीज होंगी जिसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे और फिर काफी रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइसिंग रखी जाती है। रिकॉर्डिंग्स आपको क्लास की दे दी जाएंगी, डिजिटल सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और नोट्स शेयर किए जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए फी डिटेल्स, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग प्लीज अपने आप को भी म्यूट कर दें सो दैट द थिंग्स आर क्लियर। जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए फी डिटेल्स फ्लैश की गई है स्लाइड पे, 1579, 2 महीने का कोर्स है तो इट कम्स टू 3158। अगर आप एक साथ पे करते हैं 2 महीने की फीस तो आपको 15% और डिस्काउंट मिलता है, जिससे आपकी डिस्काउंटेड फी जो है वो 2685 हो जाती। अगर आप नए पार्टिसिपेंट हैं एकेडमी में तो उसमें फी जो है मंथली फी इज 2107, 2 महीने की 4214 हो जाती है, और अगर आप इकट्ठे पे करते हैं तो उसमें 25% डिस्काउंट मिलता है एज अ वार्म वेलकम, एंड देन द फी इज 3158। पेमेंट डिटेल्स आपको शेयर कर दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोर्स के बारे में और जानने के लिए और पेमेंट मॉड्यूल जानने के लिए। नाउ वी हैव सर्टन थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, कुछ ऑफर्स इंडिपेंडेंस डे के उससे उपलक्ष से निकाले हैं एकेडमी ने, कि अगर आप 8 क्लासेस का कोर्स लेते हैं तो ओरिजिनल फी उसकी 2107 है, ऐसे ही 16 और 24 क्लासेस का है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इफ यू टेक कोर्सेज फ्रॉम एकेडमी इट कुड बी अ रिकॉर्डेड सेशन, इट कुड बी एन ऑनलाइन अपकमिंग कोर्स, इट कुड बी ऑनगोइंग कोर्स, पुट टुगेदर अगर आप जो कोर्सेज लेते हैं द कोर्सेज कम टुगेदर सम वैल्यू उसकी 12642 आती है, दैट कोर्सेज आर एज बेस्ड ऑन द पीडीएफ, वो पीडीएफ आपके पास ग्रुप में आ जाएगी। देन ऑन द इंडिपेंडेंस डे वीक एज वेल एज फेस्टिवल वीक अकेडमी इज ऑफरिंग 40% स्टेट डिस्काउंट, वो 12642 से ऊपर भी होगी तो जितना भी ऊपर जाएगा 40% स्ट्रेट डिस्काउंट आएगा, बट 12642 का जो 40% डिस्काउंट आता है दैट इज कम्स टू 7500 रुपीस। एक मिनट शिल्पी जी आप म्यूट कर दीजिए। राइट, सो ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया द फीस इज 7500 रुपीस आफ्टर 40% डिस्काउंट एंड द कॉम्बिनेशन यू कैन मेक योर ओन। तो पीडीएफ है, देयर इज अ 58 कोर्सेज की पीडीएफ है, उसके अंदर से आप अपने आप चूज कर सकते हैं। द बेनिफिट इज दैट अगर ये ऑनगोइंग कोर्स है तो इसका जो आगे रिपीट कोर्स आएगा वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री होगा, अगर ये अपकमिंग कोर्स है तो अपकमिंग कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं, उसका भी रिपीट कॉम्प्लीमेंट्री होगा,
और अगर प्री रिकॉर्डेड सेशन लेते हैं तो प्री रिकॉर्डेड सेशन के बाद जब इसका दोबारा सेशन शुरू होगा उसमें भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एडमिशन मिलेगा, दैट्स बीन देयर, राइट? सो दिस इज वन ऑफर विच यू कैन अवेल इट, विच इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुड बी फॉर दिस वीक ओनली, तो ये आप इसको अवेल कर सकते हैं. सेकेंड है फेस्टिवल ऑफर जो अगस्त मंथ की ऑलरेडी हमारी चल रही थी. अगर आप किसी भी रेफरेंस, किसी का रेफरेंस देते हैं तो देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 15%. अगर आप फर्स्ट टाइम एकेडमी में एनरोल करें तो 25% डिस्काउंट, दैट शिल्पी जी ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. अगर आप मल्टीपल मंथ्स की फुल फी पेमेंट करते हैं 15% डिस्काउंट, दैट शिल्पी जी ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. बट इफ यू गेट एनरोलमेंट फॉर 7000 वर्थ ऑफ कोर्सेज इन वन कैलेंडर मंथ इन अकेडमी, you will earn a 1000 rupees credit coupon which you can utilize for any course payment later on. And jitne bhi products hai uske upar 15% academy members ke discount hai, repeat is always free. So these are the few things which you can get more information for these courses and offer on these two numbers. Is do number pe jo yahan pe highlighted green color se, ye jo highlighted numbers hai, in do number pe aap बात करके, आप एकेडमी के नंबर है इन रेड कलर से की मैंने, ये इन पे आप बात करके इन डिटेलिंग ले सकते हैं. दे विल शेयर द एंटायर डिटेल्स टू यू एंड यू कैन मेक यूज ऑफ द ऑफर्स, ऑनगोइंग ऑफर्स अकॉर्डिंगली. सो ये बेसिक डिटेल्स थी विच आई शेयर टू यू एंड आई थिंक दिस इज क्लियर. शिल्पी जी यू मे प्लीज प्रोसीड. थैंक यू सर. मैडम जैसे एक कोर्स कंप्लीट कर दिया, सेकेंड कोर्स 2 महीने बाद स्टार्ट हो रहा है आपका, तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं? सर 2 महीने बाद अगर सेम मोडालिटी का है, सपोज आपने अभी जो कोर्स किया उसी का रिपीट आ रहा है 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपने एक बार ही पेमेंट किया हुआ है. अगर दूसरी मोडालिटी का है तो उसके लिए आपको सर अभी शेयर ही कर रहे हैं सारे डिटेल्स, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं. यू कैन मेक, यू कैन अवेल द डिस्काउंट ऑफर्स और उसके तहत आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं अपकमिंग कोर्सेज में. वो पूरी डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी क्योंकि काफी सारे कोर्सेज हैं, 58 कोर्सेज हैं. यस 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 ओके मैडम. मेरे स्किन का शॉट लिया हुआ है वो 58 का मैडम, लास्ट 2 दिन पहले था, नहीं उसमें लिया हुआ है. और कोर्सेज की डिटेल्स ग्रुप पे अभी शेयर कर दी जाएंगी सर. फॉर दोज हु हैव नॉट कनेक्टेड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, या तो आप चैट बॉक्स पे मेंशन कर दीजिए ग्रुप का लिंक, तो दिल कनेक्टेड वाया व्हाट्सएप एंड देन यू कैन शेयर द बंडल ऑफ कोर्सेज दैट आर बीइंग ऑफर्ड. श्योर आई कैन, आई विल डू दैट. शिल्पी जी, शिल्पी जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम. वो हमें आपके टैरो कार्ड्स या आपका और मटेरियल चाहिए हो, फिर वो कहाँ से लेना है? देखिए कार्ड्स आर बीइंग मेड अवेलेबल, ये पीएलआर कार्ड्स और आकाशिक कार्ड्स. हाँ जी मैम, और बाकी टैरो कार्ड्स भी होते हैं जैसे. हाँ तो उसके लिए आपको नंबर्स फ्लैश किए गए थे अभी स्क्रीन पे पूनम मैम के और अकेडमी के, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके आप उन्हें डिटेल्स दे सकते हैं आपको कौन कौन से कार्ड्स चाहिए एंड देन यू कैन गेट योर ऑर्डर डन. ओके थैंक यू जी. ये दो नंबर्स पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे आप कॉल कर. हाँ जी थैंक यू जी. शिल्पी जी आप पीएलआर ले रहे थे किसी का? जी सर उनका, राहुल जी का लिया था. हाँ राजकरण जी का ले रहे थे? नहीं सर, ने तो अभी वो पूछा था कि नेक्स्ट कोर्स के लिए. ठीक है ठीक. नहीं नहीं मैंने पूछा वापस रिपीट ज्वाइन करे तो उसका क्या चार्ज है क्या? हाँ. ये वो पूछा था. नहीं सर रिपीट फ्री है. हाँ वही तो पूछा था मैम. तो राहुल जी वो मेरे साथ में प्रॉब्लम है मैडम. कार्ड्स का प्राइस बता दीजिए ना सर. कार्ड्स का प्राइस आप हम आपको those who get enrolled we will share the price of the card, but please be rest assured the card ki price in any way it will be lesser than the market, be it Amazon, be it anywhere else, it will be lesser than that.
ठीक है, तो वी आर वर्किंग ऑन इट. दैट्स राइट सर, बट एप्रोक्सीमेट एक आइडिया चाहिए. अप्रोक्सीमेट आइडिया क्लास होने से पहले मिल जाए तो बेटर रहेगा. क्लास होने से पहले मिल जाएगा, जो जो एनरोल करेंगे उनको मिल जाएगा. नहीं सर जी, उनका मैथ लीजिए, वो बार बार पूछ रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली इट विल बी अबाउट 1400 to 1500 रुपीज का कार्ड होगा पर सेट. अप्रोक्सीमेट है, इट कैन बी प्लस माइनस 100-200 रुपीज सब्जेक्ट टू दी जो हमारे को कॉस्टिंग आएगी उस हिसाब से. और ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है, इट कैन बी लेस ऑल्सो फ्रॉम दिस. ओके एंड सर, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेक्स वी आर सपोज्ड टू बाय फॉर दिस कोर्स? ये इस कोर्स में दो डेक हैंगे, आकाशिक और पीएलआर. तो आपको इस कोर्स के अंदर दो ही डेक की जरूरत पड़ेगी, आकाशिक की और पीएलआर की. अगर हमें सिर्फ ये दो ही डेक चाहिए होते हैं तो व्हाई देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ वैरायटीज? See, for this I'll answer. Actually, मैं खुद काफी सारे decks use कर रही हूँ. I started my journey with rider weights, और उसके बाद जैसे जैसे knowledge gain करते गए, insights आते गए, तो automatically you get guided by your intuition to go ahead with the study. और ये जितना पढ़ते गए उतना ही interest आता गया. Then कुछ अपनी life के सवाल होते हैं जिनके जवाब ढूंढने होते हैं. तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही शेयर किया था हाउ आई वाज फेसिंग अ प्रॉब्लम विद माय यंगर चाइल्ड, तो मेरे को उसका आंसर पास्ट लाइफ कार्ड से मिला. फिर ऐसे कई आंसर्स हमें मिलते हैं अलग अलग जगह से. तो जिसको आप यूज करना शुरू करते हैं ना, वहां आपका फेथ ऑटोमेटिकली आता है वंस यू डिस्कवर द आंसर्स. तो डेक्स बहुत सारे हैं, हर डेक का एक अलग ही एसेंस है. और मैं खुद काफी सारे डेक्स के बारे में डिलीवर करती हूँ तो मुझे खुद को पता है. और यहाँ पे काफी लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट डेक्स किए हैं, वो आपको खुद ही बता देंगे हर डेक का एसेंस ही अलग है. और जैसे जैसे आप एक क्वेश्चन आया सामने, तो आपको कैसे मालूम कि आउट ऑफ द 15 डेक्स मेरे को आंसर कौन से वाले डेक में मिलेगा? मैम दिस इज वेयर योर इंट्यूशन गाइड्स यू बेसिकली. देखिए मेरे सामने सारे डेक्स रखे होते हैं, कई बार क्या होता है कि सामने वाले को देखकर ही ऐसा लगता है इसका जवाब इस डेक में है, तो आई ऑटोमेटिकली पुट माय हैंड. कई बार क्या होता है कि व्हेन आई एम रीडिंग आई प्लेस माय डेक्स एंड आई आस्क द पर्सन कि आप ब्लाइंडली किसी भी एक डेक की तरफ पॉइंट आउट करो, तो वो जहां पॉइंट आउट करते हैं दैट इज कि उनकी एनर्जीज उस तरफ है, तो उससे रीडिंग निकाल लिया. So this all varies. It varies from person to person, energy to energy. और इसका काफी हद तक जवाब आपको आपकी intuition देती है. Okay ma'am, ये तो मुझे समझ आ गया. अब लेकिन अगर आप तो जैसे you are the master of it, you are working with it, so you have got so many decks. But हम तो starting में मुश्किल से एक दो maximum तीन या चार रख लेंगे. तो would we be able to get the answers out of all those four rather than out of 15 decks or in comparison See, to 15 you will be having only 4 decks? You can derive your answers from a single deck also, right? Okay. Like when I also started, I started, as I told you, I started my journey with rider weights. Rider weights ko kafi time tak use karne ke baad, then I started adding on two different decks. Phir ek interest sa develop ho gaya. और वो जैसे ही कुछ नया दिखता था डेक्स में, कुछ नया कलेक्शन दिखता था. एंड व्हेन यू विजिट सच सेंटर्स तो क्या होता है, कई बार आप हाथ में लेते हो ना, ऐसा लगता है वो चीज आप ही के लिए बनी है एंड यू ऑटोमेटिकली पिक अप दैट डेक. किसी okay. किसी की एनर्जी आपसे इतना रेजोनेट कर जाती है. सो यू मीन टू से टाइप ऑफ विंडो शॉपिंग की आप एक बार जब इसको पढ़ना और सीखना और इससे काम करना सीख जाते हैं, उसके बाद आप जैसे once you are out, आपको कुछ हाथ लगा, आपको लगा no I should buy it, like yes. A lady has got many purses in her hands. Exactly. बहुत सारे purses होते हैं lady के पास, 8-10 तो minimum. तो it's like that. कि मतलब it's actually window shopping. It's actually like that. Yes, it is like that. Because see, I am that one lady who doesn't have a number of purses, but I have a number of decks that I can assure you. That was just an example, ma'am. I know that. I just quoted on that. Never mind. Yeah. Okay, thank you. I have a question, Shilpa ji. Yes, ma'am.
I don't know. I did one session of Akashic reading with a lady that was referred to me. And if you ask me, somehow wo thoda bahut airy fairy laga, aise laga nahi ki koi aisa solid base pe kuch information aayi. So I just want to know, how can we know the authenticity of the answer? See, for that, I would like to tell you, ma'am, you're muted. This is my thing. This is like the thing. Aapne aapke bete ka example diya. And how are you certain that that is exactly what happened? See, because... You know, because there are so many lifetimes and so many areas where, you know, so many things have created an impression on us. So I'm just wondering. I'm sorry, but... I agree to it. See, that is what I'm telling you. I referred to a doctor also. I visited a doctor. Obviously, pehla khayal jo bhi dimag mein aata hai, wo aata hai medical science ka. Baad mein kuch aur hota hai. Right? To pehle to medical treatment start kiya. Medical treatment mein kuch diagnosis mein aaya hi nahi. Koi bhi problem nahi aayi. All reports normal. Abhi aap kya karoge? You know that the problem persists. And the doctor is not ready to give any medication kyunki problem hi nahi hai. So, aise situation mein, then we resort to different modalities. But did it get checked? I mean, yes. Sir, aapko pata chala ki ye, iska reason ye hai. Uske baad aapne kari ya, you know, it just got sorted on. Nahi, it never gets sorted on its own. Dekhe, till today, I do healing for my kids. जहाँ उनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आज की डेट में वो डॉक्टर के पास जाने से पहले वो खुद ही बोलते हैं कि मम्मा आप हीलिंग दे दो ये प्रॉब्लम हो रही है सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट हैपेंस सो व्हेन आई स्टार्टेड विद हिज हीलिंग दैट वाज अ टाइम व्हेन ही वाज नॉट अवेयर ऑफ इट आई न्यू व्हाट इज ही लॉन्गिंग फॉर ही इज लॉन्गिंग फॉर मोर एंड मोर ऑफ लव सो वी अमंग द फैमिली मेंबर्स वी डिसाइडेड दैट वी नीड टू बिहेव इन अ सर्टन मैनर लेट हिम ओवरकम हिज फियर्स अब कोई बच्चा है वो रात को सोते सोते अचानक से डरता है नाउ डू यू ब्लेम अ मेडिकल रीजन आप एक बारी नाइटमेयर बोल सकते हो दो बारी नजर लगना बोल सकते हो उसके बाद आप क्या करोगे हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आंसर्स इफ द चाइल्ड इज नॉट स्लीपिंग वी गेट आंसर्स थ्रू दीज कार्ड्स एंड देन वी हील दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट सो दिस थिंग आई हैव सॉरी द हीलिंग इज पार्ट टू फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग व्हाट इज द रीजन फर्स्ट इज also comes through the cards or how does the healing work then? See, the healing is as simple as remedy that would be given to you for each and every card. Jaise abhi inko Rahul ji ka maine bola ke inhone kya kiya, inke past life mein bhi he was used to doing the same thing. Ke ek cheez complete kiye bina dusre pe switch over karke. Idhar se udhar travel kiya. To usme kya hua ke finally ye kahin pahunch nahi paaye. तो वो चीजें हर जगह रिफ्लेक्ट होती है रिलेशनशिप में भी इमोशंस में भी लाइफस्टाइल में भी एंड ही अग्रीड टू इट कि ये उनके साथ होता है राइट सो ही वाज आल्सो वन अमंग तो उनको एक ही चीज बोली कि अगर आपको इस एस्पेक्ट को हील करना है व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस इज कि जो चीज आप अपने हाथ में लो बी श्योर दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट सो दिस इज अ रेमेडी कि आप उसे पूरा करोगे जो भी आप अपने हाथ में लोगे आप उसे पूरा करोगे तो ये आप क्या कर रहे हो आप अपने प्रेजेंट लाइफ कर्म को हील कर रहे हो आप इस सिचुएशन में क्यों आए क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने ऐसे क्रिएट किया सिनेरियो तो हमने क्या किया प्रेजेंट लाइफ में उसको हील करना शुरू किया देन सेकंड स्टेप वुड बी व्हेन वी गो एंड हील द पास्ट एस्पेक्ट बाय फॉरगिविंग आवरसेल्फ्स दैट इट वाज ओके इट वाज द पास्ट लाइफ And then we start with Ho'oponopono. So that continues. So this is an entire modality jahan aapko sirf jawab nahi milenge, aapko uski remedy bhi haath ke haath milegi. Okay. All right. Thank you. So aap basically ek card khol ke bata sakte ho what is going on. In a person's life? See, it is depending on situation to situation.
sorry to interrupt you, but like right now for the past I think 2 or 3 years been going through a very very difficult phase in so many different ways, and so many different people are saying so many different things to me, so I really don't know what it is. And of course then you resort to all these measures, so I'm just wondering, you know, where does the real answer lie in all this? Is it karmic? Is it in astrology? Is it in you know, where will I find the answers? Is it in past life? Is it in, you know? So even to select the modality is a job in itself, given that there are 58 courses available to us. So okay. I just was wondering, how do you see? Manisha ji, speaking to you, the card that came to my hand, like okay. When I was talking with you, the card that I drew was with wars and battles. I took this from the past life card only. Okay, wars and battles card ka implication kya hai? Aapko sabse pehle to ye samajhna hoga. Aur ye card specifically aapke liye kyun aaya, ye janna bahut zaruri hai. Ye card ye indicate kar raha hai. Dekhiye, you can see the card. Aap card ki picture dekhiye. कार्ड की पिक्चर में भी स्ट्रगल दिख रही है. यस, ठीक है. तो इट शोज कि कहीं ना कहीं आप प्रीवियस लाइफ में भी एक स्ट्रगल से जुड़े हो एंड यू आर अनकॉन्शियस. हो सकता है आप किसी बैटल का हिस्सा रहे हो या आपकी लाइफ टाइम आपने ऐसे बिताई हो कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और फोबियास फेस किए हो या कई जगह आपने वायलेंस फेस किया हो. तो अब आपकी ट्रू फीलिंग्स आपको इस चीज का जवाब देंगी. नाउ व्हाट इश्यूज यू आर फेसिंग इज एज फार एज आई अंडरस्टैंड इज कि आपके जो चीजें आप सामने रखते हो, जो थॉट्स आप दूसरों के सामने रखते हो, पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन. करेक्ट, राइट. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले जन्म में भी आप इस चीज के लिए लड़ते रहे. आपकी ट्रू फीलिंग्स आप शेयर नहीं कर पाए, पिछले जन्म में भी नहीं कर पाए. और वही सेम पैटर्न अभी क्यों आया है? क्योंकि वो पिछले जन्म में रिजॉल्व नहीं हुआ, इसलिए अभी आ गया. तो आपके हार्ट चक्रा में इस समय क्या है? आपके हार्ट चक्रा में इस समय उस चीज का गुस्सा है. वो पास्ट लाइफ से आया है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस लाइफ ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट योर पास्ट लाइफ. तो पास्ट लाइफ से वो गुस्सा आया, वो डिजायर ऑफ रिवेंज आया कि दिस टाइम आई हैव टू प्रूव माय सेल्फ. आपके साथ एंगर इश्यूज आते हैं? यू कुड आंसर मी. आई गेस या लिटिल इरिटेशन या इंपेशेंस बिकॉज़ पीपल डोंट पिक अप थिंग्स एज फास्ट एज आई डू एंड फिर उनको एक्सप्लेन करने बहुत लंबा टाइम लगता है एंड यू नो या. So yeah, you could say irritation, anger sometimes. Yeah. Why? Because this you are holding back since your past life. I see. Abhi karna kya hai? Dekhiye, simple sa procedure hai that you can start practicing is simple 4 lines. I tell everyone, Ho'oponopono is not unknown to anyone. It is a Hawaiian technique to forgive. Yes. Please. फॉलो दैट मेडिटेशन. आप कुछ मत कीजिए, किसी को इमेजिन मत कीजिए. रात को सोने से पहले आप सिर्फ 10 मिनट सुन लीजिए और फिर आप खुद मेरे को डिफरेंस बता पाएंगे कि आपके परसेप्शन में क्या चेंज आया. क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी ना तो आपके आसपास के लोगों की एनर्जी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी. यू डोंट हैव टू वर्क ऑन दैट्स ट्रू. ओके, थैंक यू फॉर दैट इनसाइट. I'll give it a thought. Yeah. Thank you, Shilpa ji. Jevin Jain ji. Jevin Jain ji, can you please switch on your video, please? I need to connect with you. If you can please switch on your video. Jevin sir, अपना video दिखाओ. हाँ जी हाँ. कहाँ चुपके बैठे हो? चुपके मत बैठा करो, बाहर आओ. देखो बैठा हो ना, चुपके मत बैठो. देखो बैठा हूँ भाई.
सर आपने तो बहुत कुछ ऑलरेडी अपने ऊपर लिया हुआ है इस लाइफ का, जो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे इमोशंस आप ऑलरेडी सप्रेस करके बैठे हैं अपने अंदर, बहुत सारी चीजें आप अपने अंदर दबा के बैठे हैं और वो चीजें आपने रिलीज नहीं की, इसलिए आज आपके शरीर की भी बनावट ऐसी है। बहुत लोगों का दर्द है सर इसमें। ओके नाउ इफ आई टेक, हाँ जी सर, ये मैं कार्ड से नहीं, ये मैं अपनी पर्सनल रीडिंग से बोल रही हूँ। वही मैं देख रहा था कि बिना कार्ड निकाले आप कैसे बोल रही हैं। नहीं सर, थैंकफुली आई एम रियली ब्लेस्ड के इतना सपोर्ट है डिवाइन एनर्जीज का कि पढ़ पाती हूँ लोगों को। ओके सर, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड आया। पिछले जन्म में तो आपने कोई वॉरियर का काम किया है। देखिए आप कार्ड देख पाएंगे, आपका कार्ड आया है नाइटहुड का। आप इनका जरा ड्रेसिंग सेंस देखिए, आप इनका ड्रेसिंग सेंस देखेंगे आपको आधी चीजों के जवाब वहीं से मिल जाएंगे। एक नाइटहुड का जो आर्मर रहता है, जो उसने कपड़े पहने हैं, उसमें सांस लेने की जगह नहीं है। देख पा रहे सर? बिल्कुल सही देख पा रहा हूँ। हाँ, तो ये सब चीजें कहाँ से आई है? ये सब चीजें यहीं से आती है। और इसका अगर हम इंटरप्रिटेशन देखें तो एक बारी जो एक सिपाही होता है या जो नाइट होता है, अगर ये कार्ड आपके लिए आता है तो आपका जो हार्ट और माइंड है वो एक वॉरियर का ही रहा है पिछले जन्म में, तो आपको हो सकता है कि उससे रिलेटेड कहानियां भी पसंद आती हो सकता है सर। आपका जो इंटरेस्ट हो वो वॉर रिलेटेड चीजों में ज्यादा हो। अगर हम इसकी बात करें आपकी प्रेजेंट लाइफ की, तो अभी आपका जो रिलेशनशिप है और जो करियर है वो भी आपने कुछ ऐसा चूज किया होगा जहां जो कमजोर है या जो वल्नरेबल है आप उनको उस दुविधा से निकाल सको। सर अभी आप करते क्या है? आपने काफी कुछ सही कहा है, राजीव जी बता देंगे थोड़ा बहुत। सर राजीव जी आप बोलेंगे मैं बोलूं? आप बोलो सर, आप बोलोगे ज्यादा अच्छा होगा, मैं तो खैर पूरी कहानी बोलूंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप बोलो। ठीक है, मैं भक्तावर के माध्यम से लोगों के जो भी शारीरिक मानसिक आर्थिक जो भी कुछ समस्या होती है वही दूर करता हूँ। पर कहते हैं ना, सर्जिकल ऑपरेशन करने वाला अपना ऑपरेशन नहीं करता है। तो भगवान ने कुछ हमें ऐसा दिया है कि हम दूसरों का तो कर सकते हैं पर अपना नहीं। जिस दिन अपना करने लगेंगे दूसरों का खत्म हो जाएगा। सर अपना आप तब कर पाएंगे जब आप दूसरों का दुख अपने अंदर से बाहर निकालेंगे। थोड़ा सा आपको सर थोड़ा सा रिलीज करने की जरूरत है। बहुत देखे है क्या, बहुत ज्यादा वो भर गया है क्योंकि वो चीज दिख रही है आपके फेस पे आ रही है, वो चीज रिलीज करनी होगी सर। ऐसा है शिल्पा जी, कम से कम अब तक 4,000 लोगों से ऊपर की ये दुविधाएं दूर हो चुकी है। हजारों तो कोरोना पेशेंट, कैंसर वैंसर जो भी शारीरिक मानसिक जो भी पारिवारिक पति पत्नी के संबंध जो भी बच्चों रिलेटेड, तो शायद वो इतना भर गया है। वैसे अस्थमा तो 30 साल हो गए ज्यादा ज्यादा फेस करते हुए। अभी भी देख लो ऑक्सीजन मशीन पे ही था, ये भी हटाइए अभी चालू है, देख लो। मैंने हटाया अभी बस आपसे बात करने के लिए रीड। सर तो जैविन सर, वॉरियर वाला काम आप बढ़िया कर रहे हो, कीप डूइंग इट, बट टेक केयर ऑफ द हेल्थ, डू नॉट कैरी फॉरवर्ड। व्हेन यू डू कैरी फॉरवर्ड, ये चीजें जो शिल्पी जी ने बोली ये हमारे अंदर बस जाती हैं एंड उसका इफेक्ट हमारे हेल्थ से आता है। जो अस्थमा का है, अस्थमा इज अनदर इशू विद रिस्पेक्ट टू जब हम चीजें कैरी फॉरवर्ड कर जाते हैं। तो आपको एक हिंट दे दिया शिल्पी जी ने, you do, you keep doing, but at the same time, do not carry forward. ठीक है शिल्पा जी, मैं आपकी एक बात को सही मानता हूँ कि जो अपने जो अंगूठा देखते हैं ना चेन्नई में, अंगूठे से बताते हैं ना आप क्या बोलते हैं उसको, नाड़ी कुछ उसका है, नाड़ी शास्त्र या क्या, तो उन्होंने बताया था कि पिछले जन्म में आप लंका के राजा रहे थे।
उन्होंने मेरे माँ बाप का नाम, मेरे बच्चों का नाम, सबके नाम बता दिए थे, इवन मेरी बहुओं के नाम भी उसमें। और इस जन्म में भी मैं उदयपुर राजघराने से ही, बढ़िया सेम वही राजघराना, बच्चे के पिताजी ने बहुत सालों पहले छोड़ दिया तो हम भी बाहर हैं। बाकी हूँ, अभी भी 2 साल पहले प्रोग्राम हुआ था तब गया था मैं राजघराने में, बाकी मैं बाहर हैं हम लोग। चलिए, बाकी पिछले साल उसने बताया था, पिछले जन्म आप लंका के राजा थे, इस जन्म में आप ये हो। रावण तो नहीं थे ना, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है, इसीलिए तो उसने ये नहीं बताया। हेलो, ठीक है, आप सही कह रहे हो, वो नहीं था, वो सोल नहीं है मेरे। एंजॉय सर, एंजॉय इट, उनका ज्ञान तो बहुत है। नहीं, एंजॉय, आई मीन दिस इज वन ऑफ द गुड स्टडी दैट जो शिल्पी जी ने कवर करी है, एंड दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई लॉट ऑफ इश्यूज इन द लाइफ, डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज से जितना हमारे पास ज्ञान होगा उतना हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इट्स समथिंग लाइक, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट एक डॉक्टर कभी भी अपनी विद्या को बंद नहीं कर सकता। एक डॉक्टर मेडिकल साइंस अगर सीखता है एक गिवन टाइम पे, उस टाइम पे उसकी जो मेडिकल साइंस की जो जो इस लाइक जो विकसित है, विकास है, वो एक डिफरेंट लेवल का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जाता है। डॉक्टर कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, ताकि वो अपनी मेडिकल साइंस को भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाए, अपने पेशेंट को भी अच्छा रिजल्ट दे पाए। इन ए सिमिलर फैशन ऑकल्ट साइंस इज अ साइंस वेयर वन नीड टू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, ताकि जितनी ज्यादा हमारे पास मॉडलिटीज होंगी, जानकारी होगी, उतना बेहतर परफॉर्म हम कर पाएंगे, उतना बेहतर लोगों की हेल्प कर पाएंगे। सिंपल है ये। अगर जहां लर्निंग बंद हो जाएगी, बीट ए मेडिकल साइंस और बीट ए ऑकल्ट साइंस, वहां पे हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, प्लस हमारी मोडालिटी, हमारा जो ज्ञान लोगों को उपाय देने का जो सॉल्यूशंस है वो भी वहां पे रुक जाएंगे। सो इट्स दैट सिंपल। तो इसलिए इसी प्रकार से टैरो कार्ड है, टैरो कार्ड बहुत सारे टैरो कार्ड होते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, लेकिन सारे टैरो कार्ड काम करते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा टैरो कार्ड कनेक्ट किया, और ये आपको जब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप टैरो कार्ड के समुद्र में कूदेंगे नहीं या डुबकी नहीं मारेंगे, तब तक नहीं क्लियर होगा। तो आप जब लर्न करना सीखेंगे आपको अपने आप अंदर से बच्चा फीलिंग आ जाएगी कि दिस टैरो कार्ड इज कनेक्टिंग यू टू द बेस्ट एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट्स बेस्ट। सिंपल है ये। अगर आप सोचे कि मैं डेक को रख दू, 10 डेक को उसमें से पिक कर लू, दिस इज रिलेटेड टू मी, मे नॉट एबल टू डू दैट, क्योंकि वो कॉन्शियस हमारी वहां पे नहीं रिलेट करेगी जब तक हम उसके एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे। तो वंस यू गेट इनटू इट यू विल कम टू नो दैट इट्स दैट इज, है ना, राइट। सो यहाँ पे तीन क्वेश्चन, वैसे आपने बहुत सही बताया। जावीन सर बताएं क्या कह रहे हैं। मैंने शिल्पा जी को बोला है, वैसे आपने जो पार्ट बताया था वो बहुत सही बताया, शुरू का जो पार्ट आपने मेरे लिए बोला था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जावीन सर, थैंक यू। दीपिका जी आपका प्रश्न बोले। जी सर, मैम मुझे ये पूछना है कि टैरो कार्ड के लिए इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तब भी टैरो कार्ड करना चाहिए क्या? देखिए, इंट्यूशन करते करते स्ट्रॉन्ग होती है, इट इज नॉट हैपनिंग इन वन डे। इंट्यूशन का क्या रहता है, जैसे इंट्यूशन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी शार्पन होती जाएगी, आपके क्लेयर्स खुलेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दीज सेशंस इन्वॉल्व सम मेडिटेशन, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाती है। सो वी फोकस ऑन दैट। तो हमको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए क्या मैम? जैसे कि मैंने मेरे को पहले मेरा बेसिक मैंने किया था, बट मुझे वहां कहीं ना कहीं कनेक्शंस में इश्यू आ रहा था, तो फिर मैंने उसको लेफ्ट किया। तो मुझे लगा कि मेरे को ये स्टार्ट करने से पहले बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए या फिर ये स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, दिस इज ऑल्सो अ बेसिक जर्नी ओनली। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, वेयर बाय वी विल बी क्लेंजिंग आवर सेल्फ, हम खुद पे थोड़ा सा मेडिटेट करके अपनी सेक्रेट स्पेस क्रिएट करेंगे एंड देन वी विल बी कनेक्टिंग विद दीज कार्ड्स। मतलब आप ये देखिए कि जब आप ये सब करते हैं अपनी डेली बेसिस पे, क्लेंजिंग हीलिंग करते हैं, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, आपके क्लेयर्स खुलते जाते हैं, तो आप उस लेवल पे खुद रीड कर पाते हैं कि कार्ड से पहले आप ही जवाब देने लग जाएंगे। Okay. Right. Right?
देखो दीपिका जी बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस से आप किसी भी चीज का आंसर निकाल सकेंगे, बट द प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। और इंट्यूशन एक प्रैक्टिस है, इंट्यूशन बाय डिफॉल्ट नहीं, किसी का बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है। सर मैंने ना किया है, मतलब मैं करती हूँ, तो मैंने जब किसी कभी कभी तो बहुत सही निकल जाता है, कभी कभी नहीं निकलता है, तो वो मुझे इश्यू आता है कि कभी तो बिल्कुल राइट प्रेडिक्शंस होते हैं और कभी नहीं होते हैं, तो एक वो भी डिफिकल्ट होता है कि हम कैसे, मेरे को खुद पे भी ट्रस्ट नहीं होता फिर कि ये मैं क्या कर रही हूँ। दीपिका जी एक सिंपल सा रीजन होता है, हमें टैरो रीडिंग के डूज एंड डोंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कब कब हमें रीडिंग नहीं करनी है और कब कब हमें करनी चाहिए, तो वो शायद आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें रहता है कि इफ योर वाइब्रेशंस आर लो, इफ सराउंडेड बाय नेगेटिव एनर्जीज इन द हाउस, तो आपको उस समय पे रीडिंग ना करके अपने आप को हील करना, उस सिचुएशन से बाहर आना है। तो अगर आप ऐसे टाइम पे रीडिंग करेंगे तो आपकी इंट्यूशन आपका साथ नहीं दे पाएगी, वन थिंग, ठीक है। सो इन दिस कोर्स ऑफ टाइम जो ये हमारी जर्नी है, हम इसको पूरा जैसा कि मैंने बोला भी है स्क्रैच से शुरू करेंगे, सो वी विल बी आइडेंटिफाइंग कि हमें रीड कब करना है, कब नहीं करना है, कब कौन सा कार्ड यूज करना है, अपने कार्ड्स के साथ कैसे खुद को इवॉल्व करना है, सो दैट दे गिव यू क्लियर गाइडेंस, राइट। सो स्टेप वाइज वी आर लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग, राइट। प्लीज आई थिंक द आंसर इज बीन गिवन टू दीपिका जी। जय जी का हैंड रेज है, जय जी आपका हैंड रेज है, जय जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, अभी आपने जैसे उनको बोला कि टाइम पे टिपिकल टाइम पे करना चाहिए, ऐसा समय भी रहता है क्या उसका? देखिए समय ज्यादा तो नहीं, हाँ ये जरूर है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि अंधेरा ज्यादा बढ़ जाए तो मैं एनर्जी वर्क से अपने आप को रिफ्रेन करती हूँ। उसका एक रीजन है कि पूरा एनर्जी वर्क का ही काम है मेरा, तो मैं चाहती हूँ कि एक हेल्दी फैमिली लाइफ साथ साथ चलती रहे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा खुद को ड्रेन नहीं करना है। सो व्हेनेवर इट गेट्स डार्क आई डू नॉट इन्वॉल्व माई सेल्फ इन एनर्जी वर्क, एंड दैट आई ऑब्वियसली टेल माई पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो कि जब अंधेरा हो जाए तो आप एनर्जी वर्क कम से कम करें, या फिर आप उतना मेडिटेट करें और उतना खुद को हील करें कि आप उसे सपोर्ट कर पाए, नहीं तो आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है फिर उसमें। अच्छा, और मैम मैं तो काफी कुछ सीख रही हूँ, सर के पास ज्यादातर सीख रही हूँ, लेकिन कहीं पे पहुंच नहीं पा रही हूँ मैम, तो बता सकते हैं आप? देखिए इसके लिए आई वुड स्टिल से कि आप एक बारी कनेक्ट कीजिए, और ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। इफ यू आर इन दिस फील्ड, अगर आप ऑकल्ट में हैं तो वो इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना है, आपने नहीं चुना ये फील्ड, यूनिवर्स आपको लेकर आया। ऑब्वियसली आपका सोल बहुत सारी सफरिंग से गुजरा है, आपने बहुत कुछ ऐसा देखा है जो आप जवाब ढूंढने इस फील्ड में आए, और ये जवाब एक बारी में नहीं मिलते, जैसे एक अनियन होता है ना, हर लेयर एक एक करके उतरता है, वैसे ही ऑकल्ट है, हर लेयर धीरे धीरे करके उतरेगी और चीजें क्लियर होती जाती है। क्योंकि मैं उसुक आपका जो ओशो ये तीन कार्ड आए थे साई बाबा और ये, इसमें मैं एक दिन कनेक्ट हुई थी, लेकिन मुझे क्या मालूम वो फील नहीं बेटर हो रहा था, तो मैंने वो अटेंड नहीं किया था आपसे। देखिए है क्या, आपका जहां पे कनेक्ट बैठेगा आप वहां पे खुद ही आओगे, तो जहां आपका कंफर्ट जोन बैठेगा, बिकॉज यू आर गाइडेड बाय योर इनर वॉइस, तो जहां आपकी इनर वॉइस कहेगी ना कि नहीं ये ज्वाइन करना है, तो आप खुद करोगे ज्वाइन। नहीं ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा था इसलिए मैंने पूछा आपसे, क्योंकि आप जब भी मैंने आपसे ज्वाइन किया था तभी साई बाबा कार्ड्स चल रहे थे, तो वो मुझे क्या मालूम वो आप बोल रहे थे तो भी मुझे ऐसे ही लग रहा था मेरे को नहीं सुनना है करके, फील नहीं ऐसे, यानी वो फीलिंग नहीं बेटर लग रही थी मुझे,
तो मैंने वो थोड़ा ही देखा और फिर बंद कर दिया था आपका. नहीं, नो वरीज. देखिए वो हर किसी का पर्सनल कनेक्ट रहता है. जैसे मेरा बैठता है तो आई इंश्योर कि मैं डेली रीडिंग भी करूं उससे. मैं एक मैसेज भी छोड़ देती हूँ सबके लिए कि पीपल आर एबल टू फाइंड देयर आंसर्स. कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप रीडिंग मत बंद करो क्योंकि हमें जवाब मिलते हैं आपके रीडिंग में. So लेकिन मैं मेरे पास ऐसे ओशो के सिर्फ मैंने जेरोक्स करवा के क्यों लॉकडाउन में मैंने करवाए थे, कलरफुल करवाए, उसमें भी मैं निकालती हूँ ना तो सही आंसर आता है. हाँ, उसके सिंबल्स बिल्कुल एक्यूरेट है, उसकी अपनी एनर्जीज है, तो वो एनर्जीज अगर आप रीड कर पा रहे हो तो यू कैन. आपके जो वो क्लास में आई ना तो मुझे क्या मालूम वो फील नहीं बेटर हो रहा था तो मैंने वो छोड़ दिया. लेकिन आज मैंने इसलिए दो क्वेश्चन इसलिए पूछे बीच में कि जो आपने कार्ड्स दिखाए तो मुझे बहुत ऐसे लगा कि नहीं इसमें मुझे जाना है ऐसा करके. सो यू प्लीज टू कनेक्ट फॉर लर्निंग. चलिए शिल्पी जी, लेट्स टेक, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेट्स टेक फ्यू मोर क्वेश्चन क्विकली. केशव बजाज जी का हैंड रेज है, नीना जी का हैंड रेज है. थैंक यू सर. थैंक यू जया जी, थैंक यू. केशव बजाज जी, I request to please switch on video while asking question. Keshav ji, no. Neena ji. Haan ji, sir, ma'am, how these cards are different from angel cards? Tarot cards and angel cards are two different things. I think so. Ma'am, देखिए ये तो concept ही पूरा अलग हो गया ना. एक आपकी पिछली जिंदगी में जाग रहा है, एक आपके current karmic action को transform करने में help कर रहा है. तो हर किसी का डिफरेंट ही होता है. हर किसी का कंसेप्ट और आइडिया बिहाइंड रीडिंग इज डिफरेंट. मैम एक मैं थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करेंगे, एंजल कार्ड्स टैरो कार्ड से डिफरेंट कैसे होते हैं? देखिए एंजल कार्ड्स जो है वो ओरेकल कार्ड्स है. टैरो कार्ड्स जो है दैट इज अ कंप्लीट डेक ऑफ 78 कार्ड्स जहां मेजर और माइनर आर्काना है. मेजर आर्काना आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स को डिफाइन करते और माइनर आर्काना उसके सिग्निफिकेटर्स होते हैं. एंजल कार्ड्स जो है वो सिर्फ ओरेकल कार्ड्स है. ओरेकल कार्ड्स में आपको गाइडेंस मिल सकती है, आप टेम्पररी रीडिंग कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट आंसर्स एंजल कार्ड्स कभी कभी नहीं दे पाते. तो उसके लिए हम कंप्लीट डेक पे रिलाय करते हैं. वेदर यू गो ऑन फॉर ओशो ज़ेन, वेदर यू गो ऑन फॉर राइडर वेट्स, आकाशिक ले लीजिए, ये सारे कंप्लीट आपके डेक्स हैं. ओके ओके मैम, ओके थैंक यू. राजकरण जी आपका प्रश्न बोले. मैडम ये कार्ड टेरो कार्ड और ओशो ज़ेन कार्ड में क्या डिफरेंट है? सर ओशो जेन, देखिए ओशो जी रजनीश जी की अगर हम थिंकिंग लेंगे तो वो बुद्धा के फॉलोवर थे. तो वो बुद्धिज्म और ओशो टीचिंग्स पे फॉलो करते हुए उन्होंने सारे कार्ड्स को डिजाइन किया और उन्हीं टीचिंग्स को फॉलो करते हुए उन्होंने रीडिंग्स के इंटरप्रिटेशन दिए. जबकि अगर हम टैरो ले राइडर वेट्स का तो वो सबसे पुराने कार्ड्स है. वो वेस्टर्न कल्चर से आते हैं जिसके सिंबल कलर्स सब कुछ बहुत कुछ बोलते हैं. और उसमें अगर आप जैसे रीडिंग करते हैं तो उसमें हर चीज का अनुभव बिल्कुल अलग है ओशो की टीचिंग से. क्योंकि ओशो का मानना है कि बुद्धा आपके अंदर ही है. और राइडर वेट्स क्या कहते हैं? राइडर वेट्स आपको बोलते हैं कि आप हर लाइफ के स्टेप से ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं. उनके हर कार्ड में एक अलग मीनिंग छुपा रहता है. तो वो हर कार्ड का सर अपना ही एक एसेंस है जो वो फॉलो करते हैं. थैंक यू मैडम. मैंने बहुत से कोर्स किए परंतु वो रिच में नहीं पहुंच पा रहा हूं मैं. उसका कारण क्या है मैडम? थोड़ा देख के कार्ड ओपन करके एक बताइए. आपने कोर्सेस किए और वो क्या परफेक्ट नहीं पहुंच पा रहा हूं? वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहां तक आप पहुंचना चाह रहे. यस सर.
सर इसमें जो कार्ड आया है आपका, सर एक चीज बताएंगे, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा था? पहले आप मेरे को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर मैं आपको जवाब देती हूँ इसका। आपका चाइल्डहुड कैसा रहा था सर? मेरा बचपन बहुत अच्छा था, मैं इंटेलिजेंट था। उसके बाद में सडन से मेरा स्टडी स्ट्रगल होके बंद हो गया। मैं आगे पढ़ नहीं सका। आपके फादर से कैसे रहे आपके रिलेशंस? फादर का उस टाइम नॉर्मल है मैडम, क्योंकि उस टाइम इनकम भी कम थी, सभी फैमिली में एक साथ जॉइंट थे, वैसे कोई खराब नहीं थी। खराब नहीं था, लेकिन सर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी नहीं थी ना, क्योंकि कमाई कम थी मैडम, इनकम कम थी, तो वो स्ट्रगल हो गया, स्टॉप हो गया। सर आपका जो कार्ड आया है वो ये आया है, फादर कार्ड जहाँ पे एक उंगली पकड़ी हुई है बच्चे ने। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है जो फादर फिगर आपकी लाइफ में है, मतलब जैसे आपके फादर हैं, वो आपको वो कनेक्शन नहीं बैठ पाया, और ये आपके प्रीवियस लाइफ से ही आ रहे हैं। ये रिलेशन आपके सिर्फ इस लाइफ के नहीं है, ये प्रीवियस लाइफ से भी है। और अगर आप सर बात करते हैं टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन, तो वहां पे बॉन्डिंग कैसी है? इफ वी लुक इनटू योर प्रेजेंट फादरहुड कंपनी, तो वहां कैसी है? बच्चों के साथ अच्छी है मैडम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। ओके, क्योंकि सर अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ये कार्ड आने का मेन रीजन ये है कि आपके फादर की ब्लेसिंग्स इज समथिंग विच यू नीड। तो सर अभी तो आई गेस कि जैसे अब पितरों का टाइम आ रहा है, आप इन्वोक करके अपने पितरों को उनकी ब्लेसिंग्स ले, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है जो आपके काम अधूरे रह जा रहे हैं। और सिर्फ इसी फील्ड में नहीं रह रहा होगा आपका काम अधूरा, और भी फील्ड में रह रहा होगा। सर आप म्यूट है। ज्यादा फील्ड में ज्वाइन नहीं हूं मैडम, मैं बिजनेस कर रहा था, भाई भाई साथ में थे, उसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं आ रहा था। और अभी 2 साल से साल भर हो गया, रिटायरमेंट में है मैं। क्योंकि सर इसमें ये चीज दिखा रहा है बहुत क्लियरली कि आपको इस समय ब्लेसिंग्स जो चाहिए वो पितरों की ही चाहिए, और अब आगे पितरों का समय भी आ रहा है। उनका ब्लेसिंग कैसे ले मैडम पितरों का? सर देखिए आगे समय भी आ रहा है, जैसे श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध में हम पितरों के नाम का भोजन करवाते हैं, या अमावस पे आप ये कर सकते हैं कि पितरों के नाम का दान दे, आप उनसे उनकी ब्लेसिंग्स मांगे कि आप जो भी कुछ है उनके नाम पे आप दे रहे हैं उन तक वो पहुंचे और वो आपको ब्लेस करे ताकि आपके सारे काम पूर्ण हो। ओके मैडम, ओके मैडम, धन्यवाद, थैंक यू। मैंने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, वैदिक न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, और थोड़ा बहुत फेस रीडिंग भी करता हूँ, ऐसा छोटे छोटे काम बहुत किया हुआ है मैडम। ग्रेट, तो आप ये पीलर करें, आपको इससे फायदा हुआ, आप इसको समझ पाएंगे और आप बेटर कर पाएंगे। चलिए ठीक है, ओके ओके। शिल्पी जी प्लीज टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमें दूसरी क्लास स्टार्ट करनी है। एंड केशव बजाज जी, आपका प्रश्न पूछे आपको एक लिंक। जी जी लिंक शेयर कीजिए मेरे, बता सकते हैं केशव जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे फ्यूचर कैसा रहेगा मैम? सर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है ना, इनका फ्यूचर का पूछा, ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये आपको वी विल टीच यू ड्यूरिंग द जर्नी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। ये बड़ा स्पेसिफिक इनका अपना क्वेश्चन है पर्सनल कि इनका फ्यूचर कैसा होगा, तो वो जर्नी में हम कवर आगे कैसा, दैट इज कवर्ड इन जर्नी, सो दैट विल बी कवर्ड ड्यूरिंग द जर्नी। सर आप खुद ही इसके आंसर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, निकल जाएंगे। अभी आप कुछ कार्ड लेके बता सकते हैं क्या? अभी काफी सारे हमने सर, केशव जी, सर बेसिकली जी जी आप बोले, शिल्पी जी बोले।
सर बेसिकली ये जो दो तीन कार्ड्स अभी निकाले थे दैट वाज ओनली फॉर सर्टेन इश्यूज जहां लग रहा था कि हाँ बहुत प्रॉब्लम है. बाकी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारी जर्नी शुरू होगी आपको कई चीजों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे. एंड देन व्हेन वी डू द प्रैक्टिकल सेशन तो कंप्लीट रीडिंग्स होती हैं उसमें तो आप खुद ही डिस्कवर कर पाएंगे बहुत कुछ अपने बारे में. जी थैंक यू. जानवी जी आपका प्रश्न पूछे. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. थैंक यू सो मच. इट्स अ रियली ग्लैड टू कनेक्ट विद गुरुजी ज्ञान.com राजी सर एंड शिल्पा मैम. एंड बहुत यूनिक लग रहा है ये कार्ड के द्वारा आपका रीडिंग भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं. तो इसलिए मेरा एक क्वेश्चन था मैम. तो मेरा कभी भी कुछ भी लीजिए या रीडिंग डिवाइन गाइडेंस कुछ भी बोलो तो 100% परफेक्ट आता है. कभी देखे मेरा फैमिली मेरा हस्बैंड मेरा बेटा को जानने चाहे तो नहीं आते. वो क्यों मैम थोड़ा देख बता सकते. वहां आपके इमोशंस आ जाते हैं जानवी जी. देखिए ये होता है हमारे साथ अगर हमारे इमोशंस ओवरपावर करते हैं हमारी रीडिंग को तो हमारी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आती है. तो इन दैट केस जैसे हम लोग इस जर्नी में भी कनेक्ट करते हैं और बहुत सारे हैं पार्टिसिपेंट्स तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक दूसरे के लिए फिर रीड करते हैं इन सच सेंसिटिव टाइम्स. और कई बारी आपको पार्टिसिपेंट्स में से ही कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो आपके क्लोज फ्रेंड्स भी बन जाते हैं एसोसिएट्स. तो यू कैन रीड फॉर ईच अदर एज एनर्जी एक्सचेंज ऑल्सो. तो उस केस में आपको आपके जवाब भी मिल जाते हैं एंड मोर ओवर आपके इमोशन से रूल नहीं होते. बिकॉज दिस हैपेंस जिनसे हम इमोशनली बहुत कनेक्टेड होते हैं ना तो हमारे हाँ. जो लोअर चक्रास है स्पेशली सोलर प्लेक्सस एंड सेक्रल चक्र वहां पे वो थोड़ा सा टैम्परिंग कर जाते हैं. तो yeah. उस पे थोड़ा सा हीलिंग और बैलेंसिंग की जरूरत होती है एंड अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गेट योर रीडिंग डन फ्रॉम समबडी एल्स. ओके तो मेरा कार्ड निकाल सकते हैं मैम. मेरा फ्यूचर आई मीन स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ सकते हैं. जानवी जी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. वी आर गोइंग टू डू इट इन कोर्स ऑफ टाइम. यस ठीक है. एंड आई थिंक थैंक यू जानवी जी. एंड आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर बीन कवर्ड एंड ऑल इंफॉर्मेशंस आर शेयर्ड बाय शिल्पी जी टू ऑल ऑफ यू. दिस कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द ट्यूसडे. आई थिंक द टाइमिंग्स आर गिवन ट्यूसडे द 5:30 टाइमिंग्स आर गिवन राइट. सो यस हियर इट इज. You can note down this, take a screenshot for the contact to the academy. These are the two numbers highlighted in red. You can connect with these numbers and 23rd of August, Tuesday, Thursday, 5:30 p.m. Yes, Tuesday, Thursday, quantum bhi hota hai, that is 7:30 p.m. So these two courses are at different time. No course are clashing to each other. तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है जो लोग इंटरेस्टेड हैं जो लोग इच्छुक हैं दे आर ऑल आर वेरी वार्म वेलकम टू देम. इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. पीएलआर एंड आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड्स की जर्नी टैरो कार्ड्स की जर्नी इज अ वेरी स्पेशलाइजेशन कोर्स. वेरी लेस पीपल इन द मार्केट हु नोस सो मेनी कार्ड्स विद द परफेक्शन लेवल. आई मीन दैट्स अ ब्लेसिंग और दैट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू लर्न दिस कार्ड्स दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टैरोस क्योंकि बाजार में नहीं मिलती एट और एट दिस कॉस्ट वो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी. ये मतलब इट्स माय एक्सपीरियंस. यू कैन चेक इट आउट एनीवेयर. आई मीन आई एम नॉट सेइंग आउट ऑफ जस्ट टू से बट इट्स बाय अंडर एक्सपीरियंस. क्योंकि टैरो कार्ड आप में इस डिफरेंट मॉडलिटीज पे काम कोई नहीं करता. एक दो तीन कार्ड ही जनरली होते हैं ओशो जैन या साई बाबा या राइडर वेट यही जनरली होते हैं. स्पेशलिस्ट कार्ड पे काम नहीं होता. और जिसको टैरो फील्ड में आगे करना है टैरो कार्ड जितना ज्यादा उनको आता दैट विल एक्सेल. और मैं एक बार बताना चाहूंगा शिल्पी जी के द्वारा पढ़ाए गए पास्ट में स्टूडेंट जो थे दोज हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग द कॉमर्शियल प्रैक्टिस दे बीन अपॉइंटेड बाई जो एप्लीकेशन होती है ना लाइक एस्ट्रोसेज या जो एस्ट्रो वर्ल्ड की जो एप्लीकेशन होती है जो यू नो कॉलिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज वाली they've been appointed there. तो इतना such a great profession they developed it कि उनको वहाँ पे job मिल गया. That kind of profession she is carrying and she is delivering it.
तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं दे ऑल आर वेलकम, प्लीज दे कैन लर्न फ्रॉम हर दी टैरोस एंड दैट्स इट आई वुड लाइक टू से एंड यस एनीथिंग शिल्पी जी आई वुड लाइक टू से आरती जी ने हैंड रेज किया आरती जी आपका क्विक क्वेश्चन हाँ सर पहले तो मैम का मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ क्योंकि पहले भी मैंने उनकी एक जब ओशो का क्लास था तब मैंने लिया था लेकिन सर मेरी एक दिक्कत है कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है आरती तो जी ये हिंदी इंग्लिश दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों में है और शिल्पी जी जो बातचीत करते काफी कुछ हिंदी में ही बोलती हैं और नहीं हिंदी में बोलती है लेकिन कई बार ऐसा होता है ना सर वो इंग्लिश में बोलती है तो मेरे ऊपर से चला जाता ओके आप इजी वे है जो आपको शब्द लगे कि ये शब्द क्लियर नहीं हुआ सेंटेंस नहीं हुआ यू हैव फुल फ्रीडम टू से ऑन द क्लास इटसेल्फ कि ये आप रिपीट कर दो शिल्पी जी रिपीट कर देती है सच ए कूल काम लेडी जो आप देख भी पा रहे हो ठीक इनके फेस नहीं सर मैं सच बताऊं तो हाँ, मैंने कभी भी नहीं उनको देख के ही मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है ना पहले भी मुझे उनका कोर्स करना था लेकिन यही दिक्कत थी मैंने आपके इंस्टीट्यूट में कॉल भी किया था उनको बोला था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती मैम मगर हिंदी में होता है तो मैं करूंगी बिल्कुल बोले की हाँ मैम थोड़ा बहुत इंग्लिश आएगा नहीं हिंदी में तो ठीक है सर मैं जरूर करूंगी इस बार तो शिल्पी जी का मैं सही में उनका ये ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो आपको शब्द समझ में नहीं आए वो शब्द आप सीधा बोल दो कि समझ में नहीं आया प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी आप बोल दो कृपया हिंदी में उसको समझाए शिल्पी जी आपको हिंदी में समझा देंगे ठीक है जी सर थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू आरती जी और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जानवी जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं बोले आप क्विक सर कार्ड का कहाँ पे करना है सर वो अलग अलग से पे करना है या कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो लोग ज्वाइन करेंगे हाँ. उनको ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी द इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर्ड इन द वंस दोज हु एनरोल्ड द इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर्ड टू यू थैंक यू आपके ग्रुप में आ जाएगी ठीक है एंड आई होप कि ऑल इन्फॉर्मेशन आर डिलीवर्ड शिल्पी जी आप कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने ज्वाइन किया जी थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम फॉर योर एनर्जी फॉर योर एफर्ट्स एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन एंड टेक अपॉर्चुनिटी टेक ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई वुड से टू लर्न पीएलआर एंड द आकाशिक टैरो कार्ड्स ठीक है जी जमीन सिंह जी आपने वीडियो ऑन किया अपना बताएं क्या कहना चाह रहे हैं बस थैंक्स देने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद थैंक यू नमस्कार आप सब लोगों को और जो लोग क्वांटम की क्लास में प्लीज ज्वाइन क्वांटम का लिंक शेयर हो गया प्लीज ज्वाइन द क्वांटम थैंक यू नमस्कार थैंक यू आप सबका थैंक यू